Good afternoon, friends. Let us proceed ahead. Yesterday, we understood some introduction to accounting standards or advance account, what is there in the advance account. And I started off with basics of a chapter called as Employee Stock Option Plan Accounting. I will quickly recap what we have done. We have not done accounting at all so far. मैंने इधर उधर की बहुत सारी चीजें बात की जो कुछ रिलेवेंट नहीं थी, ऐसे ही थी. तुम लोग ने एक्सप्लोर कर सकते थे, तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, उससे तुम्हारा ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा. ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो तुमको जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे. मैं जस्ट अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेशन लेके आया था तो उनको ऑप्शन सिखाया. 700 लोग थे, 700 में से कुछ 10 लोगों को ऑप्शन मालूम था जिन्होंने हाथ ऊपर किए. हाँ, सीएस के अंदर ऑब्वियसली. सो जस्ट सेशन खत्म कर गया, मेरे को ओवर टाइम किया मैंने उधर. इट इज ऑन टैक्सेशन बट आई गेव देम द लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट फ्रेंकली यू आर एट अ राइट एज टू ग्रैब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन यू नीड अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स. कल मैंने सिर्फ आपको एक्सेल शीट शेयर किया था, वो कुछ बेसिक बताता है. ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स योर इंटरेस्ट विल बी क्रिएटेड. आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू ट्रेड राइट नाउ नॉर मेक अ प्रॉफिट और लॉस राइट नाउ. यू मेक अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज मोर देन इनफ बट यू शुड एस्पायर टू लर्न नॉलेजेबल थिंग्स. हियर आई एम नॉट हियर फॉर अ इमोशनल ड्रामा और टॉर्चर. आप एकेडमिक कॉन्टेंट जो सी ए कोर्स से रिलेटेड है वो बहुत सारा सीख सकते हो, तो मैंने कल बताया था. चलो मैं एक बार क्विक रिकैप करवाता हूं इन चीजों का एंड देन वी प्रोसीड अहेड. सो आई सेड ऑप्शन इज अ राइट. दैट राइट कैन बी राइट टू बाय समथिंग और इट कैन बी राइट टू सेल समथिंग. रिस्पॉन्स जरूरी है. इट कैन बी राइट टू बाय और राइट टू ईसॉप इज राइट टू बाय व्हाट? कार, डिबेंचर्स. Right to buy shares of what? Company in which you work. Normally ये option आपको stock exchange पे भी मिलता है क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा आपको stock exchange पे भी option आपको मिलता है. लेकिन stock exchange पे आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता. इधर जो ESOP है इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता, पैसे का worth देना पड़ता. Money's worth is what? Service. तो आप एम्प्लॉयर को सर्विस देते हो, कुछ काम करते हो. अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सेल्स हो सकता है, जो भी कुछ काम कर रहे हो आप कंपनी में, वो काम के बदले आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है. बट इन एडिशन टू सैलरी यू कैन गेट अ ऑप्शन टू बाय शेयर्स. क्या बोला मैंने उसको? कॉल ऑप्शन. सो ईसॉप इज अ कॉल ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी टू हूम? एम्प्लॉई. पर्टिकुलर एम्प्लॉई सबको देते हैं ना ये सब. क्यों? वाई आर वी सिलेक्टिव? सारे के सारे एम्प्लॉइज को हम क्या करके रखते हैं? ईसॉप. सारे के सारे मतलब यू कैन चूज, हाँ मतलब, बट दिस चॉइस सो फार इज नॉट ऑन अ कास्ट बेसिस और जेंडर बेसिस. जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट वगैरह यहां पर कंसेप्ट नहीं है अब तक. जिस दिन आएगा उस दिन देश छोड़ के जाना. नहीं आएगा, जोक था. इट इज ऑप्शन राइट टू बाय. तो एम्प्लॉय को जब आप ऑप्शन देते हो या कोई भी ऑप्शन होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी ऑप्शन आप खरीद सकते हो. स्टॉक एक्सचेंज वाले ऑप्शन अगर आपने सीख लिए तो क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? आपके लाइफ में आपको ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे. बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट होते हैं. बताऊंगा आज एक स्टूडेंट को बुलाया मैंने, कनाडा से आ रहा है मिलने के लिए तुमको. सो बोला पुराने बच्चे हैं सिर्फ. काश आप भी उनके जैसे बनो. बन सकते हो. ऑप्शंस क्रिएट हो गए तो इस ऑप्शन के अंदर क्या देंगे हम? टेन्योर रहेगा, कुछ ना कुछ तो टेन्योर रहेगा. ऑप्शन का टेन्योर रहेगा, 5 साल, 4 साल, 2 साल.
स्टॉक ऑप्शन जो रहते हैं उस मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे रहते हैं उसका टेन्योर रिलेटिवली कम रहता है, लेकिन ये जो ईसॉप वाले ऑप्शंस रहते हैं रिलेटिवली लॉन्गर टर्म वाले रहते हैं। क्यों लॉन्गर टर्म वाले रहते हैं? आपको एम्प्लॉय को रिटेन करना है, आपको उसको अट्रैक्ट, इट्स रॉन्ग वर्ड, यू वॉन्ट टू एंश्योर दैट ही वर्क्स इन योर कंपनी। सो पहले क्या करते हो आप? पहले शेयर देते हो क्या? नहीं, पहले क्या देते हैं? ऑप्शन। सो बोलो, फर्स्ट फेज ग्रांट ऑफ ऑप्शन, देन देर इज सर्टन वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब हम एम्प्लॉय को बोलते हैं तू काम पे रुक जा, या तू हमारे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने में मदद कर हमारी, या सेल्स बढ़ाने में मदद कर, या जो भी फैक्टर है कुछ कंडीशन आप पुटअप करोगे। कंडीशन लिखना है नहीं लिखना है आपके ऊपर है, नहीं लिखना है मत लिख, कंडीशन लिखना है लिख। तो वेस्टिंग पीरियड में अगर वो कंडीशंस पूरी हो गई तो क्या होगा? हम ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगे। किसके पास वेस्ट हो जाएंगे ऑप्शंस? एम्प्लॉई। वेस्ट हो जाएंगे का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन? वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन विल बी, ऑप्शन बिकम्स केपेबल ऑफ एक्सरसाइज। नाउ दिस ऑप्शंस बिलोंग टू यू। लेट मी गिव अ थर्ड क्लास एग्जाम्पल। आई नो इट इज नॉनसेंस, बट क्या है ना, ऑडियंस प्लस जो इंडस्ट्री जैसे हो चुकी है, ऐसे मतलब ऐसे एग्जाम्पल बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, 2 मिनट में समझ में आएंगे, नींद चली जाएगी इनकी। सो तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया, ग्रांट ऑफ ऑप्शन, योर कैरेक्टर ओवर अ सर्टन पीरियड विल बी ऑब्जर्व बाय द अपोजिट कैंडिडेट एंड देन देर विल बी वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। मतलब देन दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू यू लीगली स्पीकिंग। वेस्टिंग, वेस्टिंग होने के बाद एक्सरसाइज होता है। सो दिस वॉज अ थर्ड क्लास एग्जाम्पल, बट इसी ऐसे ही एग्जाम्पल देके थोड़ा बहुत इधर इंटरनेट खोल के उसको बोलने का प्रैक्टिकल नॉलेज है, जेन्युइन नॉलेज भाड़ में जाए। सो ग्रांट ऑफ अ ऑप्शन, फिर क्या होगा? कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। वेस्टिंग के बाद हम कुछ समय देते हैं एम्प्लॉय को फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि उसको पैसा अरेंज करना पड़ेगा। ही माइट हैव टू टेक अ डिसीजन, शुड ही एक्सरसाइज और नॉट। तो टेक्निकली स्पीकिंग वेस्टिंग पीरियड प्लस एक्सरसाइज पीरियड पुट टुगेदर इज वॉट? टेन्योर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, अब एक्सरसाइज करना है तो क्या प्राइस पे आप एक्सरसाइज करोगे? एक कुछ तो प्राइस रहेगी, स्ट्राइक प्राइस। बच्चों, कैन अ स्ट्राइक प्राइस बी हायर देन द करंट प्राइस ऑफ अ शेयर? यस। एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। सीए कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम के, उन सारे क्वेश्चंस में शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा, ऑप्शन का प्राइस, ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कम रहेगा। तो शेयर हम बोलेंगे तुमको, शेयर जो 120 में मार्केट में चल रहा है, आज चल रहा है कितने में? 120। वो शेयर तुमको 2 साल में हम 40 रुपए में देंगे। 40 रुपया क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। व्हाट इज 100 रुपीज? प्राइस ऑफ अ शेयर एज ऑन टुडे। डिफरेंस इज ट्रीटेड एज प्राइस ऑफ अ ऑप्शन, 80 रुपीज। 80 रुपीज इज अ कॉस्ट टू द कंपनी। दिस इज अ थर्ड क्लास एग्जाम्पल प्लस थर्ड क्लास टीचिंग है, सिखाना पड़ेगा मेरे को, बोल रहा हूं। 80 रुपीज इसको टेक्निकली बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ इन द मनी ऑप्शन। अगर शेयर का प्राइस, ये जनरल नॉलेज है, शेयर का प्राइस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो उस ऑप्शन को बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। समझा गया? स्ट्राइक प्राइस कितना था रे? 40 मेरे एग्जांपल में। तुमको शेयर कितने का था? 120 का। 120 का शेयर साला तुमको मिल रहा है कितने में? 40 में। तो हम बोलते हैं ऑप्शन इज इन द मनी। तो 80 रुपया हम उस ऑप्शन की प्राइस बोलते हैं। प्लीज डू नॉट से दैट आई टॉट यू दिस, दिस इज नॉट हाउ ऑप्शन प्राइस इज कैलकुलेटेड। टू कैलकुलेट अ प्राइस ऑफ ऑप्शन
You need to calculate through black and Scholes, which gives you theoretical price. सिलेबस में नहीं है, बट प्रिंट अकाउंटिंग जो है वो हम करेंगे, बट उसके पहले बैकग्राउंड, सही बैकग्राउंड कम से कम समझ लो. तो जो 80 रुपया था ना, वो टेक्निकली उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ अ शेयर एंड वॉट एक्सरसाइज प्राइस ऑब्लिक स्ट्राइक प्राइस इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो. फॉर एग्जाम्पल, शेयर का प्राइस आज चल रहा है 120. कितना शेयर का प्राइस? मैं तुमको ऑप्शन देता हूं टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी एट 150. हम बोलेंगे हैं, 120 का शेयर का आप ऑप्शन दे रहे हो मुझे 150 का, क्यों सर? अरे गधे, वो ऑप्शन तेरे को आज नहीं एक्सरसाइज करना होता है, साल दो साल के बाद. तो मैंने कल एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल लिखते ही मैंने तुमको पूछा था ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं, बोले थे तुम लोग, झूठ मत बोलना, नहीं बोले थे कि नहीं लोग? एग्जांपल देखो क्या था, फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेयर प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन टुडे 335, एंड आई गेव यू ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 420. दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. क्या बोला मैंने? आउट ऑफ द मनी. आउट ऑफ द मनी मतलब साला 335 का माल कोई 420 में क्यों खरीदे आज? ऑप्शन विच इज नॉट लाइकली टू बी एक्सरसाइज टूडे इज आउट ऑफ द मनी. नहीं समझा? ऑप्शन, ऑप्शन तो फ्यूचर में एक्सरसाइज करना है कंडीशंस फुलफिल होने के बाद. थ्योरेटिकली दो मिनट के लिए अज्यूम कर, ऑप्शन विच वॉन्ट बी एक्सरसाइज टूडे गिवन अ चॉइस इज नोन एज OTM, आउट ऑफ द मनी. ऑप्शन विच इज लाइकली टू बी एक्सरसाइज टूडे इज नोन एज इन द मनी गिवन अ चॉइस. नहीं है बट दो मिनट के लिए अपने सिलेबस में तुमको एक भी क्वेश्चन अगर OTM का आया, मैं खुश बहुत हूंगा. तब जाके लोगों को समझेगा, और मैं खुश और ज्यादा हूंगा जब टीचर लोग वीडियो बनाएंगे, आईसीए ने गलत क्वेश्चन बनाया. आई विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज आई हैव सीन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. वन टीचर टॉकिंग अबाउट देर इज समथिंग कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी विच यू शो इन द बैलेंस शीट. आपकी ग्रुप टू में है, AS22 में. रिलायंस का बैलेंस शीट खोला, देखो भाइयों ये रिलायंस का बैलेंस शीट है, देखो रिलायंस के बैलेंस शीट में इतना बड़ा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, देखो मोदी जी कैसा फायदा देते हैं मुकेश अंबानी को. क्यों? डेफर्ड टैक्स, टैक्स कलेक्ट नहीं किया मुकेश अंबानी से, रिलायंस से, डेफर्ड कर दिया. इट इज नॉट टैक्स विच इज डेफर्ड, इट इज अकाउंटिंग इफेक्ट. सो बच्चों, कैन देयर बी OTM ऑप्शन? यस. व्हेन विल द ESOP बी OTM? शेयर का प्राइस आज चल रहा है 150, मैंने तुमको ऑप्शन दिया टू बाय द शेयर एट 180, इट इज आउट ऑफ द मनी. तो शेयर की ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है. मैंने कल एक्सेल शीट आपसे शेयर किया था, समझा होगा ठीक है, नहीं समझा होगा सुभान अल्लाह, और अच्छा. क्यों? इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. जिसको कुछ मालूम ही नहीं है वो ज्यादा सुखी है दुनिया में, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट अमंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट. उनको मालूम ही नहीं है कुछ, इतने खुश थे ना, ऑप्शन की दुनिया ऐसे कुछ रहती है, मालूम ही नहीं था उनको, खुश थे अपनी जिंदगी में. सो 150 का शेयर मैंने तुमको राइट दे दिया बाय करने का 180 में. ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी, ब्लैक स्कोल से कैलकुलेट करना पड़ेगा. 150 का शेयर है, मैंने तुमको राइट दे दिया टू बाय द शेयर एट 110, इट इज इन द मनी ऑप्शन, जिसकी वैल्यू कम से कम 40 रुपया होनी चाहिए. क्यों 40 रुपया होनी चाहिए? 150 का माल जो आज का 150 है वो तेरे को मैं दे रहा हूं 110 में, फ्यूचर में देंगे वो भी, 150 बढ़ भी सकता है ना. तो ऑप्शन का जो वैल्यू होता है उसमें से कुछ वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है और कुछ वैल्यू टाइम वैल्यू रहता है. ये समझ लिया, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बट CA फाइनल के साथ साथ पढ़ना है. CA फाइनल में सिखाऊंगा. शेल्डन नैटनबर्ग करके एक बंदा है, उसने बुक लिखा है ऑप्शन प्राइसिंग एंड वोलेटिलिटी. काश ICNA पढ़ लिया होता, दुनिया का नंबर वन बुक है ये इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन, नॉट एवरीथिंग. अभी आपको ABCD भी नहीं समझेगा, ये बुक आपको कम से कम 5 या 6 बार पढ़ना पड़ेगा.
सीए फाइनल के बाद मैं प्रेफरेबल, याद रखना सीए फाइनल में जब आप डेरिवेटिव्स सीखोगे प्रॉपर तरीके से, शेल्डन नैटनबर्ग करके है ऑथर, ऑप्शन प्राइसिंग एंड वोलेटिलिटी, और ऑप्शन प्राइसिंग एंड वोलेटिलिटी एंड स्ट्रेटजीज, यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ ऑप्शन प्राइसेस आर डिराइव्ड और इसके बेसिस पे स्ट्रेटजीज बनते हैं रिसेंटली आप पैसा अनाप शराब, मतलब एक 15-20% 20% तक का रिटर्न आप आराम से कमा सकते हो नॉलेज आने के बाद, मतलब आराम से, मतलब कुछ ये बनाने पहले नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, बट वो नॉलेज अगर आप एज के 40 साल या 45 साल में चालू करोगे ना गेन करना, बहुत मुश्किल है, समय जा चुका होगा, मैंने ऑब्जर्व किया आज लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन नहीं ना, मतलब गैप लगता है रिसीविंग में और इसमें, लाइफ एज पास्ट, सो ठीक है ऑप्शन का प्राइस छोड़ दो, अपने सिलेबस में क्या करेंगे बच्चों, जान दो ये सब भूल जाओ, सिलेबस में अपने का क्या रहेगा, शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा, ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, वो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिकली अगर ऐसा वर्ड यूज नहीं करने का, प्राइस ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंपनी की कॉस्ट है, क्यों 100 रुपए का शेयर जो है मैं तेरे को राइट दे रहा हूं 75 में खरीदने का, तो 25 रुपया क्या है, कंपनी की कॉस्ट है, क्यों हम बोलेंगे ये शेयर अगर हमने मार्केट में बेचा होता तो कितना रुपया आया होता बोलो 100, अब हम एम्प्लॉय को दे रहे शेयर नहीं दे रहे, हम पहले उसको ऑप्शन दे रहे हैं, कितने में दे रहे ऑप्शन 75, तो 25 रुपया सस्ता दे रहे ना, 25 क्यों दे रहे, वो अपना ससुर है इसलिए नहीं, वो काम कर रहा है सर्विस दे रहे, तो वो 25 कंपनी की कॉस्ट है, किधर डेबिट होनी चाहिए वो कॉस्ट, इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियसली, देन ओनली यू विल शो सब्सटेंस ओवर, सी एम्प्लॉय को तुमने आज ऑप्शन दिया, गारंटी है कह रहे ये ऑप्शन शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, आज तुम क्या हो, ऑप्शन हो, तुम्हारे मां बाप ने ऑप्शन खरीदा है, तुम्हारे ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तुम्हारा मां बाप क्या कर रहा है, ऑप्शन खरीद रहा है उनके रिटायरमेंट का, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन इंडिया देयर इज नो नीड फॉर रिटायरमेंट प्लान, व्हाई, किड्स आर रिटायरमेंट प्लान, बट सम प्लान्स मे नॉट वर्क, डोंट टेक इट पर्सनली, सो सी कैसे एनालॉजी दिया, खुद को लगा थोड़ा तो ऐसा और क्या बोल रही है, अंदर रखो, तो ऑप्शन तुम अगर खर्च कर रहे ना, सो यू एम इट्स बेसिकली कंपनी स्पेंडिंग ऑन होम एम्प्लॉइज, व्हाट आई वांट टू ट्राई टू टेल यू इज, मैंने 100 रुपए का शेयर है उसको 75 के स्ट्राइक प्राइस पे तुमको दे दिया, तो जो 25 है ना वो 25 मुझे सर्विस के फॉर्म में मिल रहा है इन सब्सटेंस, तो 25 मेरे कॉस्ट बुक होना चाहिए, हम कॉस्ट बुक कर लेंगे 25 का, 100 इज व्हाट प्राइस ऑफ अ शेयर, ओके बेस्ट पार्ट, एग्जाम का और एक करेंगे, बोलने भूल गया मैं तुमको, दिस इज से प्राइस ऑफ द शेयर इज 100, व्हेन एज ऑन टुडे और इन द फ्यूचर, बात ही नहीं करने का, प्राइस ऑफ द शेयर इज 100 एंड द स्ट्राइक प्राइस इज 75, आगे क्वेश्चन नहीं पूछने का, ये नया इंडिया है, सो 100 रुपए का शेयर 75 में दे दिया, 25 रुपए ऑप्शन की प्राइस आ गई, कॉस्ट आ गई ऑप्शन की, क्योंकि हमने ये अगर पब्लिक को दिया था तो 100 रुपए आता था, अब एम्प्लॉय से 75 रुपया आएगा, ऑप्शंस आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, कैन यू इश्यू ऑप्शंस बिलो द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, यस नो, कल कैसे यस बोले थे साले, ऑप्शन डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे थे तुम लोग, ऑप्शंस कैनॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट इन रियलिटी एग्जाम, आई डू नॉट नो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया फेस वैल्यू 10 रुपीज स्ट्राइक प्राइस इज 8 रुपीज सॉल्व विथ 8 रुपीज, नो क्वेश्चंस आस्क, देशद्रोही नहीं बनने का, आया नहीं है अभी तक, बट यू नेवर नो, सो ये भी क्वेश्चन पूछा था कल, तो ये ऑप्शंस का क्या रहता है, प्राइस रहता है, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद तुमको लॉक इन पीरियड रह सकता है जिसमें आप ये बेच नहीं सकते, ऑप्शन का जो शेयर का प्राइस था वो कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट पे डिपेंडेंट था, जनरल नॉलेज,
ऑप्शन की जो प्राइस रहती है ना, सच में बोले तो शेयर की इसमें जो वोलेटिलिटी है, शेयर का जो करंट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस क्या है ऑप्शन का, टेन्यूअर क्या है ऑप्शन का, और इंटरेस्ट रेट क्या है, इन चीजों पे ऑप्शन का प्राइस डिपेंडेंट रहता है, समझा करे। बट सीए कोर्स में ऑप्शन का प्राइस ऐसे आता है, व्हाइट कलर में लिखा हो, शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज शेयर प्राइस एज ऑन, पूछने का नहीं, देखो मैंने लिखा है डॉट डॉट डॉट, डू नॉट आस्क व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, वी विल सॉल्व एज इफ वी आर अ इडियट्स। 90 रुपीज। तो बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, जो ऑप्शन की वैल्यू है या जो ऑप्शन की प्राइस है उसको कॉस्ट करके बुक करो। पर दिक्कत यह है कि ये कॉस्ट बुक कौन से ईयर में करने का, मैंने आज ऑप्शन तुमको ग्रांट कर दिया लेकिन ऑप्शन तुम आज एक्सरसाइज करने वाले हो क्या, तुम ऑप्शन कब एक्सरसाइज करने वाले हो, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, शुड आई बुक द कॉस्ट एंटायरली इन द ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, अक्रूअल नहीं होगा। हम टंट लोग अक्रूअल के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं, टंट इज फॉर अकाउंटेंट, तो हम अक्रूअल के ऊपर भी बहुत लॉजिकल भी है। सी, मैंने तुमको आज ऑप्शन दिया, इज इट अ कॉस्ट ऑफ टुडे, यू आर गोना एक्सरसाइज आफ्टर 3 ईयर्स, इज इट अ कॉस्ट ऑफ थर्ड ईयर, देन इट इज अ कॉस्ट ओवर 3 ईयर्स, इन विच रेशियो शुड यू स्प्रेड, हम इक्वल रेशियो अज्यूम करने वाले हैं, विच इज ओके, दैट इज मतलब कहीं पे भी बोलने का नहीं कुछ, इज ओके, इक्वल क्यों, सिंपल है। सो ये जो कॉस्ट रहती है, ये कॉस्ट हम स्प्रेड करते हैं, किस पे स्प्रेड करते हैं, इक्वल, कौन से रेश में, किस पे बोला मैंने, कैसे नहीं बोला, ओवर द टेन्योर, वी विल स्प्रेड द कॉस्ट ओवर दी, इन विच प्रपोर्शन, इक्वल प्रपोर्शन। हम कॉस्ट बुक तो कर लेंगे हर साल, पीएनएल को थोड़ा 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 डेबिट मारेंगे और लायबिलिटी दिखाएंगे, बट वो लायबिलिटी साइड पे दिखेगा लेकिन लायबिलिटी नहीं दिखेगा। हम बोलेंगे हैं, लायबिलिटी साइड पे दिखेगा लेकिन लायबिलिटी नहीं दिखेगा। हाँ, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं रहते कंसेप्ट, लायबिलिटी साइड पे सिर्फ लायबिलिटी नहीं रहता है, लायबिलिटी साइड पे नेटवर्थ भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, हर साल खर्चा बुक करेंगे लेकिन सी ईएसओपी इज नॉट व्हाट यू पे ना, आई विल नॉट पास एंट्री कॉस्ट अकाउंट डेबिट और एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, टू लाइबिलिटी नहीं करने का, क्यों लाइबिलिटी नहीं करने का, ऑप्शन अभी तक वेस्ट ही नहीं हुआ, ऑप्शन वेस्ट हुआ क्या, ऑप्शन वेस्ट कब होगा, अगर 2-3 साल में कंडीशन फुलफिल की तो हम क्या करेंगे, तुम्हें नॉर्मल खर्चा है, रेंट पे कर रहे हो तुम एंट्री क्या कर, और तुमने पे नहीं किया, रेंट पेएबल है लेकिन अक्रू हो गया, तुम एंट्री क्या करेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, डू यू शो लैंडलॉर्ड इन द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, आई होप एवरीवन नोज रिजर्व्स एंड सरप्लस, थैंक यू, वेयर विल यू शो लैंडलॉर्ड, लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड राइट, विल यू शो इसॉप आउटस्टैंडिंग अंडर द लायबिलिटी, नो, वी विल शो इट अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड, तो हर साल मैं खर्चा बुक कर लूंगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाऊंगा, है ना, रिजर्व सरप्लस दिखाऊंगा मैं कौन से साइड पे, लायबिलिटी साइड पे अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड, ऐसा हर साल हम बुक करते जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था कल, फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 10, जब हमने ग्रांट किया था ऑप्शन तो कितने पे था, शेयर का प्राइस 68.5, दिस 68.5 इज नॉट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, एक्सरसाइज प्राइस कितना था 50, इस 68.5 कुछ भी काम का नहीं है और अकाउंटिंग, उससे हम क्या निकालते हैं, ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो लेट्स अज्यूम ऑप्शन की वैल्यू 24.18 आया, अब बोले सर कहां से आया, सर ब्लैक एंड स्कोल से आता है, अपने सिलेबस में ऑप्शन की प्राइस 18.5 रहेगी, एग्जाम में मैं आपको पहले सच वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर मैं गलत कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, डरना मत, 24.18, तो वो 24.18 मुझे बुक करना है ओवर द इयर्स, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, ऑप्शन एंट्री देखो, ओवर द वेस्टिंग पीरियड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मैंने नाम क्या दिया, एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, विच विल गो टू पी एंड एल,
डू वॉट इसॉप आउटस्टैंडिंग. इसॉप आउटस्टैंडिंग कहां पे दिखेगा? रिजर्व्स एंड दिखेगा ना. फिर फाइनली जाके हम शेयर्स क्या कर लेंगे? इश्यू कर लेंगे. इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 50. और जो ये क्या आया? मॉनेटरी फॉर्म में आया. नॉन मॉनेटरी फॉर्म में क्या आया? 24.18 इज नथिंग बट प्राइस ऑफ सर्विसेस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी एम्प्लॉय ऑब्वियसली कंपनी रहेगा ना. ओ प्रोप्राइटरशिप में ऑप्शन का कंसेप्ट नहीं होता. यू कैनॉट गिव शेयर्स ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म. मतलब इफ एनीबडी इज थिंकिंग और अ पार्टनरशिप फर्म एम्प्लॉई आई मेक यू अ पार्टनर आई गिव यू ऑप्शन टू बिकम अ पार्टनर. नो दिस इज ओनली फॉर कंपनी. तो मैंने खर्चा कितना बुक कर लिया? 24.18 बुक किया था मैंने. लायबिलिटी क्रिएट किया था या वो हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट किया था उसको डेबिट करो. तो सच में बच्चों जो शेयर इशू किया है उसकी वर्थ क्या है? 74.18. 74 कैसे? 50 स्ट्राइक प्राइस था प्लस 24.18. तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू जाता है उतना तो फाउंडेशन मालूम है. मतलब बेसिक के नाम पे कुछ भी चिपकाने का नहीं, इतना मालूम रहता तुमको. तुम इतना भी पागल नहीं है. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों? प्रीमियम इज कलेक्टेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स. बच्चों इसमें से 64 में से ना कुछ 24.18 प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश. इट इज रियलाइज इन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. फाउंडेशन याद करो, यू इशूड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कहां पर लिखा है कंसिडरेशन शुड बी इन कैश? नहीं लिखा ना. चलो अब डाउट पूछो. आपके कितने भी डाउट हो घटिया से घटिया बिंदास कोई भी हो पूछ सकते हो. ऑनलाइन पब्लिक चैट बॉक्स. गुड क्वेश्चन. सो कैन अ एम्प्लॉई ट्रांसफर हिज ऑप्शन? कैन अ एम्प्लॉई ट्रांसफर हिज ऑप्शन? जनरल आंसर इज नो. मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज डू नॉट अलाउ. वाई? ये राइट इशू नहीं चल रहा. राइट इशू नाम का एक चैप्टर था ग्रुप वन अकाउंट्स में. इन दैट राइट इशू ऑल्सो देर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? रेन्यूंसिएशन. देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेन्यूंसिएशन इन लॉ. सो कंपनी इफ इट वॉन्ट्स टू क्रिएट दे कैन, बट नॉर्मली इट इज नॉट फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. यू वॉन्ट टू रिवॉर्ड यूर एम्प्लॉईज. So you give the shares to your employees. Once employee gets shares, shares can be transferred by employee. Shares के ऊपर lock-in रहता है normally. जो इस सब मैं employer हूँ, वो अपना employee है. Employee को मैंने क्या किया? Option दे दिया. He cannot renunciate option. He can renunciate or transfer shares. Give the heading. सुरेश ये लाया तुमने, लेकिन वो चार्ज करने वाला गट्ठू किधर है? हाँ वो नहीं है उधर, बैग में रहेगा वो. लेके आ बैग में. बैग में नहीं मिला? ऐसे कैसे नहीं मिला यार? रहेगा ना, देखना. एनीवन हैज अ सी टाइप चार्जर? सी एप्पल वाला चाहिए मेरे को, सैमसंग वाला नहीं चाहिए. सैमसंग इज ओवर, मतलब उसका ज़्यादा हिट. हाँ डाउट या चार्जर? चार्जर है. हाँ वही, शक्ल देख के मेरे को वही डाउट आया था. है मिल गया. सो जस्ट गिव मी अडैप्टर. एनीवन एल्स? हेडिंग हेडलाइन लिखो क्वेश्चन में. दो मिनट हिमेश जी लिखिए लिखिए. इस ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ऑप्शन कैन नॉट बी transferred oblique renunciated, but shares can be renunciated, but shares can be renunciated oblique transferred. तो ये renunciation का concept group 1 में था याद होगा तो. right issue bonus issue का chapter था ना,
पढ़ा होगा, वापस पढ़ना पड़ सकता है, व्हाटएवर, बोलो बोलो भाई साहब। हाँ ओके, दिस क्वेश्चन इज कम एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशंस देयर आफ्टर, फुलफिल द कंडीशन वेस्टिंग हो गया, देयर आफ्टर ही लेफ्ट द जॉब, कैन ही एक्सरसाइज अ ऑप्शन? नॉर्मली नो, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वॉन्ट यू टू बी द एम्प्लॉई ऑल्सो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। After exercise, once you get a shares, then you are a free bird. Okay, shares are freely transferable, except in a private company, there can be some restrictions on transfer. आया ना, अभी majority जो ESOP के अंदर shares दिए जाते हैं ना startups के अंदर, अब मैं अगले chapter से link कर रहा हूँ, अगला chapter आएगा इसके बाद, पर ये genuine knowledge रहता है। अब internet अपना चलता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, चलेगा शायद। Look at this. स्टार्टअप में है, कंपनी लिस्ट हो गई, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कौन हूं? आई एम अ फ्लिपकार्ट बैक्ड बाय वॉलमार्ट, नो लॉन्गर बंसल सर देयर, बंसल्स आर नॉट देयर, नाउ इट्स अ वॉलमार्ट। बंसल्स माइट हैव माइट स्मॉलर स्टेक, बट फ्लिपकार्ट अनाउंस्ड a huge buyback for ESOPs few days ago. This is around 29th of November 22. Flipkart ESOP buyback. Flipkart, the poster child of local startups, is known for its regular ESOP buyback programs. In 2021, the Bengaluru-based startup purchased 80-85 million of shares, and now they are done it. Zerodha announced a huge one. See, बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज रहते हैं। इफ यू आर वर्किंग इन अनलिस्टेड कंपनी एंड यू गेट अ ESOP, ESOPs गेट कन्वर्टेड इन टू शेयर्स, बट वॉट विल यू डू विद द शेयर्स? बिकॉज इन मेनी केसेस दो शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल टू आउटसाइडर्स, और दे माइट बी ट्रांसफरेबल बट नोबडी इज विलिंग टू बाय। क्यों? वो बाय कर लिया उसने शेयर्स, करूं क्या मैं उसका? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स है, मैंने खरीद लिए, वॉट विल आई डू विद दीज शेयर्स इफ एनएससी नेवर लिस्ट? आप बोलो क्या सर, हमको तुम इन्वेस्ट करने को बोल देते हो और तुम ये बोल रहे हो? हाँ, तो रिस्क रहते हैं ना, रिस्क तो हर चीज में रहता ही है। वॉट इफ एनएससी नेवर एवर लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? फिर मेरा शेयर कुछ नहीं, ऐसे रहेगा, आई विल कीप ऑन अर्निंग फ्रॉम डिविडेंड। एनएससी से जो डिविडेंड मिलता है उससे मेरा पैसा निकल जाएगा, क्योंकि एनएससी का जो प्रॉफिट है अल्टीमेटली मेरा है ना। कभी ना कभी तो एनएससी को शेयर लिस्ट करना पड़ेगा, उसका शेयर का भाव बढ़ते रहेगा। कौन से मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट, अनलिस्टेड मार्केट रहता है ऐसा, एनएससी लिस्ट नहीं हुआ। सी, तुमको क्या लगता है स्टॉक एक्सचेंज पे ही मार्केट है? करे नहीं, कैन द मार्केट एग्जिस्ट आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज? कैन आई सेल द शेयर्स ऑफ एनएससी राइट नाउ टू हिम? यस, राइट, मतलब दिस विल नॉट गो इमीडिएटली। ये तुम्हारा कोई मतलब ईएएस का लेक्चर नहीं है कि जहां पे ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन हो गया और तुमको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तुमने मेरे को पैसा दे दिया। नहीं, टाइम लगेगा, बट आई कैन। सो फ्लिपकार्ट या जीरोदा करता क्या है? एम्प्लॉइज को ईसॉप्स देता है। ईसॉप्स के फॉर्म, ईसॉप्स से क्या होता है? शेयर आ जाता है, ईसॉप से शेयर आ जाता है, और फिर वो शेयर एम्प्लॉय किधर बेच नहीं पाता, तो फ्लिपकार्ट खुद बोलता है हम उसको बायबैक करेंगे। जीरो तो खुद बोलता है हम इसको क्या कर लेंगे? बायबैक कर लेंगे। मतलब बेसिकली यू रिवॉर्ड एम्प्लॉय इन अ कैश। अल्टीमेटली मेरे पास शेयर है, तुम्हारे पास क्या आया? कोई फायदा नहीं इस डायलॉग का। फायदा कब होगा? मेरे पास कैश है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। हा? वो डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन वाला, कोई तो साइकिल भी है। आई होप यू अंडरस्टूड। So there are buybacks. So अपना अगला chapter जो है, that is going to be a buyback. How do we do accounting of what buyback? तो normally जो ESOP होते हैं, ESOP से shares आते हैं, shares आप बेच सकते हो, shares आप transfer कर सकते हो। अब company अगर listed रही तो stock exchange पे ही ये कर सकते हो, company अगर listed नहीं रही तो outside stock exchange कर सकते हो। Like मैंने आपको एक example दिया था, फाइव स्टार फाइनेंस करके कंपनी था, उसके shares मैंने खरीदे थे। किससे खरीदे थे? Employee से खरीदे थे।
कौन से एम्प्लॉय से? फाइव स्टार में जो करता था, फाइव स्टार के एम्प्लॉय के पास शेयर्स कहां से आए थे? इस सब के थ्रू आए थे उसको, तो उसने मुझे बेच दिए। अब रो रहा है, रो रहा है, बेचे नहीं होते तो आज उसका वेल्थ डबल हो गया होता। मैं बोला साले तभी भी तूने अर्न मोर इन परसेंटेज टर्म्स, अर्न विच मच मोर, क्यों? उसको बहुत सस्ते में मिला था। ईसॉप में शेयर्स जो है ना बहुत सस्ते में मिलते हैं। आपको बताऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता, गौरव करके एचडीएफसी में, स्टिल इज इन एचडीएफसी, आई विल आस्क हिम टू कम डाउन सम टाइम। सो इन गुड कंपनीज इफ यू गेट अ राइट सेट ऑफ ईसॉप्स, मैंने आपको कल नारायण मूर्ति का ड्राइवर का स्टोरी बोला था, यू कैन मेक अ किकैस अमाउंट ऑफ मनी। किकैस मतलब किकैस, अभी गौरव को पूछेंगे वो कितना था। दूसरा गौरव आ रहा है, मतलब वो गौरव एचडीएफसी वाला अलग है, जो आ रहा है ये भी गौरव ही है। तो मैरियट ने कितने, इज डायरेक्टर ऑफ मैरियट इज प्रॉपर्टीज इन कनाडा, ही यूज्ड टू हेड द एंटायर एशिया, नाउ ही इज लेफ्ट एशिया। आएगा अभी आधा घंटा, मालूम नहीं किधर है, आएगा। लेकिन उसको पूछते ईसॉप मिला है कि नहीं। यस, इशू, कैन यू इशू डीवीआर अंडर द ईसॉप? आंसर इज यस। व्हाट शेयर्स यू वांट टू इशू इज योर चॉइस। कंपनी, see, DVR is nothing but different type of shares. You can have equity shares class A, equity shares class B, equity shares class C. You can have as many classes as you want under section 43 of Companies Act. Samjha? Company कौन से भी shares दे सकती, class A, class B, class C, company की choice है। Can employee, वेस्टिंग पीरियड में कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, गया एम्प्लॉय बेचारा, रो गया, मतलब क्या करेंगे क्या? वेस्टिंग, तुम लेट्स से यू आर वर्किंग इन किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस गेव द ईसॉप्स टू यू एंड किंगफिशर वेंट बैंकक्रप्ट, व्हाट कैन यू डू? नथिंग, इट्स ओके ना, मतलब इट्स योर बैड लक, देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज लाइक दिस वाज स्टक। It's a terms and conditions of contract. If employee fulfills the conditions before the specified period, can he exercise? Depends on the contract. What? See, whenever you come up with the ESOP, not everything is written in a law. It is written in what? Contract. Contract in the terms and conditions. It's a normal contract between company and what? Employer. Employee. Parliament nahi beta, bait jao. Can? Good question. Can a parent company oblique holding company shares be given to the employee of subsidiary company? Answer to that is yes. बहुत बार ऐसा होता है कि subsidiary company is unlisted but holding company is listed, तो क्या होता है, subsidiary company उनके employee को बोलता है हम तुमको shares देंगे इस ESOP में, लेकिन किसके? पप्पा के। पप्पा मतलब होल्डिंग कंपनी, यू कैन गिव। तो उसका अकाउंटिंग वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है, क्योंकि आप शेयर्स किसके दे रहे हो? होल्डिंग के, लेकिन किसको दे रहे हो? सब्सिडरी के एम्प्लॉयज के लिए। कॉस्ट शुड बी बुक्ड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। फॉर होल्डिंग कंपनी इट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज जस्ट अ इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉर होल्डिंग कंपनी इट इज अ नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर्स, बट अ कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। गुड क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड नहीं था इंटर के लेवल पे। कैन द ईसॉप बी एक्सरसाइज पार्टली? एम्प्लॉय बोलते हैं नहीं मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है। यू कैन एक्सरसाइज, नॉर्मली कंपनीज अलाउ यू। आई हैव 1000 options, 1000 options का मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को उतना एक्सपोजर नहीं चाहिए। कैन आई एक्सरसाइज ओनली 300? यस। गुड, दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू लिंक ग्रुप वन। ग्रुप वन में करके एक सब्जेक्ट था ग्रुप, उसमें अकाउंट्स करके था, उसके अंदर बोनस इशू का एक चैप्टर था। भाई साहब का डाउट है, मैं कंपनी हूँ, एम्प्लॉई कोई तो अच्छा वाला एम्प्लॉय, ए अरे करेक्टर, ये तूने कुछ तो लिखा है नीचे, कुछ अच्छा है गंदा है मालूम नहीं मेरे को, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा। अच्छा है अच्छा, पूला देशपांडे फिर ठीक है। मैं कौन हूं? कंपनी। ये आइटम कौन है? एम्प्लॉई। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लिसन टू दिस, शेयर का प्राइस 100 है आज, स्ट्राइक प्राइस 80,
ऐसे की सबसे ज्यादा ही हैज राइट टू बाय शेयर्स एट 80, ही हैज राइट टू बाय शेयर्स एट 80. मार्केट में शेयर कितने पे चल रहा है? 100 पे चल रहा है, समझा? इसको शेयर दिया टू राइट टू बाय एट 80. मोमेंट आई गेव शेयर्स आफ्टर वन वीक आई डू स्प्लिट ऑफ द शेयर्स, आई डू स्प्लिट ऑफ द शेयर्स. वन शेयर आई डिवाइड इनटू टू. द मोमेंट आई डिवाइड वन शेयर इनटू टू, व्हाट हैपेंस यू नो, जो 100 रुपीज का शेयर है वो बंदा था 50 का. कैसे 50 का? क्योंकि सेम वैल्यू गेट स्प्रेड ओवर टू शेयर्स. इधर छुट्टा करना है. या आई डू बोनस, याद होगा तो बोनस की वजह से भी शेयर का प्राइस ग्रुप वन में सिखाया था, पूरा नहीं सिखाया था बोनस में तुमको, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इन्फोसिस का एग्जांपल मैंने तुमको कैलकुलेट करके नहीं देखा था, मैं फेड अप हो गया था. सो 100 रुपए का शेयर मैंने क्या किया, स्प्लिट किया, 50 हो गया, या 100 के ऊपर बोनस दे दिया. रोचल रो रहा है, ऐसे नाटक करने पड़ते हैं हमको. ये ऐसा किया ना तो ही बच्चा सोता नहीं है, इसको कुछ शौक तो चल रहा है इधर. अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोटाइजिंग यू और मेकिंग यू फुलिश. रो लिया ना? क्यों रो लिया तू बेटा? लेकिन शेयर स्प्लिट हो गए तो उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है? दूसरा क्या बोल रहा है, मेरे को वो शेयर अभी 80 में मिलने वाला था, जिस पहले ये खुश था, बल्ले बल्ले कर रहा था. 100 का शेयर मैं उसको 80 में दे रहा था, तब ये बल्ले बल्ले कर रहा था, अब रो रहा है. क्यों? वो शेयर 100 से 50 पे आ गया, लेकिन उसका स्ट्राइक प्राइस 80 पे ही है. फॉर योर इंफॉर्मेशन, एवरी क्लॉज ऑफ ESOP एग्रीमेंट कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, बायबैक. बायबैक नहीं, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन आर कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट एक्शंस. व्हेनेवर देयर इज अ कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ दिस सॉर्ट, द स्ट्राइक प्राइस इज एडजस्टेड. स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं, नहीं तो एम्प्लॉय को फायदा क्या होगा ना? फिर ऐसा क्या, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं पर्पसफुली क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा. सारे के सारे एम्प्लॉय रोते रहेंगे, मम्मी व्हाट डू आई डू, समझा? और किसी को डाउट? तो 2-3 अच्छे डाउट है. ये इसका ये वाला अच्छा था, उसका होल्डिंग वाला अच्छा था, और एक कोई तो अच्छा था कुछ, तो आई डोंट नो. समवन इफ यू नोटेड डाउन द पॉइंट्स. आधे ढल्ले लोग तो ऐसे देखते बैठ रहे सिर्फ. अच्छा, ऑनलाइन भी पब्लिक पूछ रहा है कुछ तो. देवांशी सिंह सर, इन केस ऑफ अनिल अंबानी कंपनी शेयर्स प्राइस डिग्रेड मच, इन दैट केस एम्प्लॉय विल डू व्हाट? एम्प्लॉय विल क्राई, नथिंग एल्स. अरे प्लीज रिमेंबर, ESOP मिल गया मतलब पैसा मिल गया ऐसा नहीं है. ESOP इज व्हाट, इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट बट विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मनी. सो यू कैन डू नथिंग. एम्प्लॉय कैनॉट फाइल अ केस, क्यों? मेरे को ESOP दिया था, अभी वो शेयर का प्राइस नीचे गया. तो अबे ये क्या हो गया? इज YouTube पब्लिक, यू आर एबल टू? ओके, हाँ ठीक है, ओके अंडरस्टूड. कुछ तो हो रहा है. हाँ, नेक्स्ट डाउट, कैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय चेंज द कंडीशंस बिटवीन ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड? यस, इट्स एग्रीमेंट. सर ESOPs इशू होगा वो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो इशू हुए हैं वैसे ही रहते हैं या डिफरेंट क्लास के रह सकते हैं? अभी मैंने आंसर दिया था ना किसी का, तो क्लास है. ESOP कैन बी ऑफ अ न्यू क्लास, ESOP कैन बी ऑफ अ सेम, इट शुड बी ऑफ अ सेम क्लास विच इज ऑलरेडी इशूड. शेयर्स मस्ट हैव बीन इशूड. यू माइट, लेट्स से यू हैव गॉट शेयर्स ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास के शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे. कौन से क्लास के इशू करने, आपके ऊपर चॉइस. सर यू सेड इन द ऑप्शन प्राइस देयर विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज टाइम वैल्यू, कैन यू प्लीज एलाबरेट? नो, वेट फॉर सीए फाइनल. एक चीज जिंदगी में समझ लो, मैं सिर्फ तुमको ये चीजें बोलता हूं टू इग्नाइट योर माइंड की देयर इज समथिंग. आई मैन टू एक्सप्लेन यू, बट क्या है ना, हर चीज आज सीखने की कोशिश मत करो. हर चीज का एक सही समय होता है, उस समय आने दो. सर कैन ऑडिटिंग फर्म गिव अ ESOP टू? ऑडिटिंग फर्म, पार्टनरशिप फर्म में कोई ESOP नहीं रहता. इफ इट इज LLP आई कैन अंडरस्टैंड आप पार्ट ओनरशिप दे सकते हो, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में नहीं. LLP के केस में आ सकता है. तब LLP कैन गिव, इट इज एन ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉय. नो, आई डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग आकाश. Can a company cancel the ESOP after consideration with the consent of the employees? You can do that. It's a contract. These things are not written in the law. So it's a normal contract. So you will have to apply the provisions of a normal contract law.
Company law doesn't talk about it. So his doubt is company has issued the options and the company is merged with another company, what will happen to the ESOP contract? That obligation will be on the new company. Whenever there is a merger, all obligations of the previous company get transferred to the new company. Basics of sense here. So why will employees lose the right? Then I will do the merger all the time, na? Merger ho gaya, toh obviously then obligations get carried forward. Chalo, that's it now. No doubts. Now we come down to accounting. अकाउंटिंग का मैंने ब्रीफ कल एक्सप्लेन किया था तुमको, अब यही अकाउंटिंग मुझे अभी डिटेल में करना है. डिटेल में करवाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा, क्वेश्चन के साथ ही मैं एक्सप्लेन करता हूं. कोर प्रिंसिपल, उसके पहले मैं बोल रहा हूं, कोर प्रिंसिपल नंबर वन, वी हैव टू बुक कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन ओवर वेस्टिंग पीरियड इन इक्वल रेशियो. रुकने के बाद, देखने के बाद फिर लिखना शुरू करेंगे. वैसा उनको खुद लिखने का मतलब समझता ही नहीं है. अब पूछेंगे क्या लिखना है. आई रिपीट, नहीं लिखने दो अभिषेक, ये पुष्पा पब्लिक है, वाई कांट. कोर प्रिंसिपल्स नंबर वन, फर्स्ट कोर प्रिंसिपल, cost of a option is spread over vesting period. हम vesting period पे ही इसको spread करेंगे, not over the tenure. Tenure is considered while calculating the cost of the option, but हम vest, see vesting period is a period over which we get the benefit, ना? Vesting period is a period over which we get a benefit. So observe, cost of option is spread over vesting period in equal proportion. समझा करे? Did I say over the tenure? I said vesting period. क्यों? Vesting period में ही कंपनी को फायदा होता है. किस चीज का? Employee की services का. हम option किसके बदले में दे रहे हैं? Service के बदले में दे रहे हैं. ऐसे ही चैरिटेबल ऑप्शन नहीं दे रहे हम. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन टू एम्प्लॉयर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ शेयर माइनस स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन. एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन इंटू ब्रैकेट बुलशिट स्क्वेयर. बुलशिट स्क्वेयर है ना? बुलशिट ही है. कल मैंने ब्लैक एंड स्कोल्स का एक फाइल शेयर किया था, उसमें कोई तो बच्चा आया था, सर उसमें CCRI है, वो क्या है? दैट इज अ कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूजिंग लॉगरिथमेटिक फंक्शन वेयर लॉग इज नेचुरल लॉग. There are two logs that you might have learned, log to the base E and log to the base 10. Which one is a natural log? Log to the base E. अब कुछ बच्चे बोल रहे सर कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे थे तुम? छोड़ दो. तो इसलिए तुम्हारा मैथ्स अल्ट्रा टैलेंटेड मैथ्स होना चाहिए, तब जाके आप उसको समझ सकते हो. लेकिन समझ गए ना बच्चों, पैसा ही पैसा है, लक्ष्मी चिट फंड का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको. एक दिन में पैसा डबल नहीं होता. सो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन टू द एम्प्लॉयर, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. इफ ऑप्शंस लैप्स आफ्टर ग्रांट, देन वी रिवर्स द कॉस्ट. ओह, देन वी रिवर्स कॉस्ट ऑलरेडी बुक्ड. जो भी कॉस्ट ऑलरेडी बुक किया तुमने, उसको हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं. बोलो जा. सो बहुत मोटा हो गया रे, फोटो पे तो भेजा ना मेरे को, देखा दिखा नहीं. सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स ऑनलाइन पब्लिक. सो वी हैव
सीए गौरव अग्रवाल, फी भरा है क्या इंस्टीट्यूट का तूने? इंस्टीट्यूट का फी भरा है सीए लिखने के लिए? हाँ भरता है, मतलब थोड़ा कनाडा में जाके भी भरता है, मैं इधर रह के नहीं भरता. सो ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम 2008 बैच, इज कम आई थिंक यू लैंडेड टुडे मॉर्निंग और यस्टरडे, वीक बैक. ओके, ही लैंडेड इन इंडिया वीक बैक, इज फर्स्ट बैच, इट वॉज माई फर्स्ट सीपीटी दैट टाइम. सीपीटी ऋषभ सर का और इनका बैच सेम था, सो सेम बैच में, मतलब बाकी कंपेयर मत करो आप हाइट वगैरह, मतलब सबसे नॉटी बंदा था इसके इनके बैच में से, मतलब ये बहुत बहुत सारी चीजें. हाँ लास्ट बेंच हमेशा, मतलब ऑल टुगेदर लास्ट. ही वेंट इन टू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ड्यूरिंग द आर्टिकल शिप इट सेल्फ, ही गॉट एक्सपोजर टू द different infrastructure sector. At that time it was, I think, Delhi Airport was being made GMR, it was na T3, the Terminal 3 da. It's there's an auditing firm PKF naam sahi na, Santan kam karta hai ki nahi malum nahi mujhe, PKF hai abhi bhi. So there is a friend of mine Santan Krishnan, so wahan par Delhi mein place ho gaya tha. He is basically from Siliguri, that too on the border Kolkata, Siliguri se aaya tha. Kyun? Iske mama hamare pehle student hai, so that was I think must be 1980s or 85, whatever, I don't remember also. तो वहां से सिलीगुड़ी से था, बॉर्डर पे, इसका का मतलब प्रॉपर बॉर्डर पे, मैं वहां पे जाके आया हूँ, मतलब ये इंडिया शादी में. हाँ उस टाइम पे. सो फ्रॉम देयर आउट हियर एंड देन फ्रॉम दिल्ली ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री. पीकेएफ में उसको एक्सपोजर मिला हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, देन वेंट इन टू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, नाउ लेफ्ट इंडिया, आई होप सिटीजनशिप इज देयर after 1 year. Okay, so he's not going to be a citizen also then, theek hai, that is your choice, but exposure as a chartered accountant, as a skills, ek bar aapne skill sets wagera gather kar liye na, kya ho sakta hai. I just wanted to tell you, these kids are intermediate, it just matlab tumhare time pe IPCC, ha you had opted in IPCC, inke time pe institute ne option diya tha PCC and IPCC, inka first batch tha IPCC ka, ye IPCC hai abhi, naam sirf inter kar diya institute ne, farak kuch nahi hai. So he's a chartered accountant. Let him speak. I don't know. हाँ चल रहा है. सिर्फ नजदीक पकड़ और थोड़ा स्क्रीन इधर कैमरा पे रहे. ऑनलाइन भी पब्लिक है बहुत सारा. Hey guys, sir have already introduced me. तेरे को आवाज उसको क्लोज पकड़ना पड़ेगा. तू एक सेकंड. और आगे आ गया. हाँ हाँ बराबर. So sir has already introduced me. The one thing I want to tell you. But where do you work right now? Tell them. Oh, okay. And your work. So I'm a market director finance for Artwork Marriott Hotel. So almost like 14 hotels reports to me right now. You'll have Can to. Can you hear me now? Yes. So तू इंडिया में है, उधर कनाडा में नहीं है. ये फर्क समझ ले. इधर का. तू कितना भी उधर गए ना. हाँ मतलब उसको लग रहा है उधर गए. दो रसगुल्ला खिलाएगा अंदर ना. ओके नाउ आई गेस एवरीवन कैन हियर मी. सो आई एम अ मार्केट डायरेक्टर फाइनेंस फॉर मैरियट होटल्स, ऑलमोस्ट लाइक 14 होटल्स रिपोर्ट्स टू मी इन कनाडा. माय वाइफ इज आल्सो अ सीए, दो वी मेट इन, आई वाज अ टीम लीडर एंड देन शी लीडेड मी इन माय लाइफ. दैट हैपेंड इन गोवा. एंड irrespective of whatever sir have told me or told about me to you, I tell you that it's been almost like 12-14 years. Whenever I'm in Pune, irrespective whether once in 2 years or once in 5 years, I make one point that I need to come and meet this guy. Okay, he's not only my mentor, brother, he's everything to me. The things that he has done for me in my whole entire CA span of the life, I can never imagine, or anyone can do this. I was his first batch. We were almost like 10 people sitting always on the back bench. Last bench. Right? Risha was one of them. Yeah, Risha was one of them. And we all 10 people, whenever we meet, at least for 5 minutes we'll talk about Abhishek Jhawar. Okay, he's so close to us. I think he has come to mostly every wedding of that 10 people guy, right, including mine. And
being a chartered accountant, the day you clear that exam, that 20 seconds moment no one can actually record or help you to understand what is that 20 seconds. You will realize of your own the matter of time that you have spent in your life. We have studied almost like 16 hours to 18 hours a day during our final exams. We used to go to eat poha in Null Stop. I still remember. 3 o'clock. I don't know whether it's there or no. No, nowadays. No. It was there for sure. There? Oh, banne ho sakta. Okay. So we used to go at 3:30 in the morning. We used to study in the library and then go there, go back home, take bath, rest for 2 hours, come back to the institute. That was the dedication and a devotion that requires during the final stages and in the initial career, but obviously during the final stages. I during final exam, 6 months before, don't try this, whatever I'm saying. 6 months before, I didn't even know what subjects are there for me. It was totally engrossed into articleship. I was totally engrossed in articleship, right? And last assignment was my US. I came from US and I called Abhishek Zavre and I said, sir, mere ko pata nahi exam dena hai, kya karu main? That I was there in Delhi at that point of time. He's like, ek kaam kar, Pune aaja, 6 months, I'll handle. Whatever time he was able to give me, he gave me. And here I am. So it's not more about the motivational or anything. It's more about the devotion that you need to give to this exam and to this course and to the person who teaches you. Like, there has been a lot of evolutions I know of across the period, but at the same point of time, there are few people who you should remember in your life. Maybe in your early stages of your studies, you would have remembered someone, right? This is the phase where you should remember someone. And for me, Abhishek Zavre stands always. Yeah, I think that's tell them how completing CA with lot of other things is also possible. Yes. All my girlfriends, he knows. Whenever I used to have a breakup, he used to take me out for a drink. Okay. कि गोलू अच्छा आज ब्रेकअप हो गया चल आज थोड़ा चलते हैं बाहर सूदिंग हो जा आ जा आई स्टिल रिमेंबर आईपीसीसी के टाइम पे देयर वाज अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप एंड देन आई गॉट इनटू अ ब्रेकअप एंड ही टुक मी फॉर ऑलमोस्ट लाइक टू कंटिन्यूअस नाइट्स आउट एंड इट्स लाइक हो गया अब तेरा ब्रेकअप खत्म अब आज पढ़ाई करते राइट सो अलॉन्ग विद स्टडी यू नीड टू पार्टी हार्ड पढ़ाई सिर्फ करते करते इट इज योर चॉइस मतलब इट्स कंप्लीटली या नॉट एवरी डे बट यू शुड यू डू अ प्रॉपर स्टडीज देन यू नीड अ रिवॉर्ड या बट अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर क्रेडिट इज मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड और सम सॉर्ट दे डोंट हैव ग्रेट ग्रुप्स आल्सो वी नेवर हैड दैट वर्चुअल देयर इज नो कांसेप्ट We used to have always physical thing, right? So, Canada ka londa lag raha hai. But irrespective, along with studies, that is the part we should go on, right? Because that is what you will remember every time. Like today as well, after this, I'm going to meet few of my friends who used to be our batchmates here. I'm here for like 2 nights, so. Have to meet as much people as I can. So keep that friendship along with this study. There will be a time this course will actually give you a lot of tension. You need to be calm, patient to complete this exam. Without that, like you need to obviously continue study, but give a little pause in between. And that pause should be your own time, right? Your own moment, which will help you understand what you have done from last whatever months you have been doing. But and anytime anyone after CA needs a job, call me.
You can give n number of jobs everywhere. Just let me know if you are interested in hospitality sector. Please let me know. There are huge scope. There is a huge scope for Indian finance people or the business. It's more of a business. I don't know how much accounting and compliance is literally 5% of the time. Maybe less than that. Like it's not only about accounting. It's more about analytical stuff that we do. And I'm more into robotic automation. So in hotels, no one thought that we'll ever implemented robots, right? We have done that. We continuously try to find the efficiency in the work structure and try to improvise the process. And for that, obviously, we need young people to do that, because I would not say that the old people does not know, but change itself takes time, right? But for the young people, it becomes much more easy for us to give them an exposure and say, hey, this is the process and how we can cut down in terms of the new AI world, right? So now we have moved into AI, we have moved into robotic automation work, we have moved into improvisation of different dashboards, which helps doing much more than what we used to do in the past, right? So that's there across the world, not only in hospitality, but anywhere. Like I remember we used to never had all this. Never. Excel, there is a whiteboard, chalk. Right, and we used to do our studies, but now I guess apart from you all, there are so many people who are watching this lecture as well, right? So, yeah. See, imagine a chartered accountant, the role that he plays, how much of accounting taxation, literally zero. There will be hardly the financial segment will come across. I do one day of accounting, one day of taxation, that to someone else do it, I just review in the whole month. Rest is my process improvements and the reporting that we focus on. That is what you need to understand. There is another chartered accountant, Anil Lamba, in the Pune. If you go to the Phoenix Mall, there is a whatever robotic automation he talked about, that is being done in the Pune also. In the Phoenix Mall, you will find a restaurant, you order something, no waiter will come and deliver the food to you. It will be a robot which will come to you and deliver it to you. This is being done by chartered accountant, Anil Lamba. And you know, for doing this, the government gives the subsidies to the company. Until unless you present it to the government. Just hold it closer. So that's why whenever we do any robotic work, we always involve government, because the government helps us in getting the subsidy. And that's why company also invests, right? No one would invest something around $40 million in one robot, right? Or to improvise anything. But if a government comes and says, okay, we'll be paying you around 70% of that, right, it becomes easy for any company to spend that money rather than $40 million in one robot, right? Like I gave them one example the other day. We are talking about a drone company which had invested, Red Wings, if you are able to recollect. And coincidentally, there is another SME IPO that went off, which is a similar, Dronacharya. I don't know how many of you know this company. There's just so much of things into analytics, AI, the Power BI. No one is going to ask you to prepare the ledger, tally, rectification of error. Amount is not matching. For that, we have softwares. No one does BRS sitting at any office, right? Acha, balance sheet tally kar do. No one does it. It's all done by the system nowadays. There was a time when people used to invest that time there to do the reconciliation. Nowadays, we just spend almost few hours and everything is done by the system until another system throws an error to us. SMEs will be doing it, small micro businesses will have still reconciliation or the normal processes. But those small businesses, if you're looking at a big businesses, systems will be there. But you, as a student, if you understand the skills at that right age, right, you need to use it. I ask them so many things on Excel, hardly few people do it there. Excel, yeah. Imagine what we used to do. You know, without Excel, don't ever think that, okay, CA ho gaya, we'll be able to do something in our life. No. Articleship, if you don't do Excel, if you don't learn Excel, I shouldn't have been saying this, but you are nothing in this world. Like whenever we do an interview, the first question we don't ask, acha, do you know BRS, do you know trial balance, do you know this? No one asks you any question about that. Do you know Excel?
and do you know few things in Excel? Just explain us and you are hired. Right? Because you already have that degree, you already have that designation, so we don't have to go and check your technical skills on that. And no one would really want to understand the technical skills from you. The more thing is, what extracurricular things that you have in your mind? Do you know Excel? Do you know AI work? Do you know the improvisation that you can do for the company? Today, when I interview anyone, I don't see, okay, whether he'll be able to sustain in my company or no. What kind of efficiency and a savings this man will bring to me, or this woman will bring to me? Remember cost reduction? Right? So without that 2 minutes of interview is only about my cost savings. If I can see that, okay, with this man, if I'm giving him an X amount for a year, is he able to give me something on 10 times of that in a year or no? If no, I'll go to someone else. Right? And you have this particular power. Now tell them the background, tere village ke wahan se bol unko, inko yahan par kahan hai, kya hai garb. Aap Siliguri wahan pe jaake dekhoge, matlab. Yeah, like now Siliguri is different, but when now, I was back at that time, it was just it was nothing but if anyone knows about Siliguri, first of all, there is one fellow. See, the Siliguri is nothing but is a foothills of Himalayas. Okay, it's near Darjeeling. If you know Darjeeling, right? Yeah. So from Darjeeling, it's almost like a hold. 1 hour to 2 hours drive to Siliguri. And it's more of the commercial city today after Calcutta, if someone comes to know. But we never used to have a study as a thing there. Okay. Any like all my friends there, they are all doing business and the family business still going on. But there are only few who came out of that particular area. To name one, do you play Ludo in that, right? That's my friend's app. On Apple. Okay. The company name is Gamesberry. He recently got something around $500 million funding. Right? So when you come from that place, I know there are so many people who must be thinking, oh, you know, I am from Delhi, I am from this. Oh, ye to yaar kahin se aaya hai. But you don't know the importance of that particular man, right? You have studied so hard. Do you ever think that in this particular arena, I have studied in the stairs in the night, literally. And when he got to know that I study in the stairs in the night, he gave me a key of one of the classroom and said, Gaurav, he used to tell me Golu. There's nothing planned. He dropped a message today. I was going for that ICA program. And I said, good morning, Golu. Dekha hi nahi, utha hi nahi tha. 10 baje. That you can do after this year, okay? But you don't know. Right? And then he gave me a key of the classroom and he's like, instead of studying in the stairs, just give this key, study. And in the morning, close the door. And any which way is that particular classroom used to start from 11 or 12. So by the time I'll be back, I'll be submitting the keys back to the place. But that was a devotion that we actually gave to this particular course. Okay, and always understand that whether someone is sitting next to you is from whichever place he is. Don't know after 10, 15 years that particular person will be the one who will be sitting on the other side of the table and you will be a person who is sitting there for an interview. Okay, it's been almost like 12 years of my, after the CA has been done. The only thing that I have learned is, irrespective whether in professional life, in personal life, maintain that relationship. Because when you require that relationship, you don't even know. Right? I remember almost like 4 years back when I was in Bangalore heading one of the property out here. It was a COVID which just started. Right? 3 years or 4 years back. And I was in a very in a situation where the hotel would have just shut permanently. And there was only one company who could have helped me. Everyone knows, BCCI. Right? The CFO is a friend of mine. And
he gave me the money to run that hotel. He cleared all my debts to clear the hotel and run that. Again, relationship. The relationship matters. If at that point of time I would have said, अच्छा ये कहाँ से आया? वो भी किसी गांव से ही था, right? अच्छा यार ये कहाँ से आया? Doesn't really matter. What matters is your exam, your studies, and the relationship. Continue that. I think we today as well we are connected, right? Almost every 40 we'll 50 people are connected. Connected still. Out of the badge. I know the Shreyas and Sharika. Yeah. They are somewhere sitting out there in the US. They are in Canada. They're in Vancouver now. Yeah. Okay. They are in. We are still connected to the people. It's 14 years, but at that time there was no songs, there was no dance, there was no time pass that I did. No. Do you remember anything? I used to punish. मतलब इसको कितना punish? ये तो उसने punishment अभी तक बात ही नहीं किया है. एक दिन ये कौन सा तुम खंडा क्या हुआ? खड़कवासला गए थे बारिश के time पे. ऐसा धोया था इनको. तो punishment भी किया है. But इन बच्चों को कभी बुरा नहीं लगा यार. आजकल इधर punishment देना मतलब बाप है. इनको praise करना पड़ता है बेटा. तू बहुत अच्छा है. तेरे को कभी praise किया था student days में मैंने? At least don't become like a Canadian guy, children's man. They are like, we, at the end of the day, we are Indians. We know the values, right? And that values is nothing but our culture. Right? Irrespective if I stay abroad or whatsoever, we always make sure that the values and the culture remains with us. That is what we are always born for. Right? And always impart that. I still remember, I was in Delhi 3 days back and one of my niece came and is like, you know, my teacher came and she was scolding at me. I'm like, that's good. Right. He's like, no, she doesn't have a right to scold at me. I'm like, why? Because there's a law and she cannot scold. I can sue her or call the police. Right. But then that's a thing, right? We always, he's 5-6 years old child, right? And then if we actually do not impart that knowledge or values to him, he will always remain the same. And that should always be there. मुझे याद भी नहीं था इन्होंने मेरे को कभी punish भी किया. Like I've always lived that cherished moment, right? I don't think he's now that young enough as well who can do all that. But irrespective, whatever time he has, or Rishabh, I don't know, it's been long, I have not met him. Rishabh should well. Be there in the office. So after this, I'll be going any which way. So it was a time for us that we lived. And you should also live so that in your life, this is what you will remember always. Right? You want to ask some questions to him? तुमको इसॉप मिलता है क्या बोलते हैं इसॉप चल रहा था दे सेड आस्क हिम वेदर यू गॉट अ इसॉप सर नॉट सी आई कैन टेल यू इसॉप मिलता है बट उसका अकाउंटिंग क्या होता है क्या नहीं होता उसके लिए मेरे पास अकाउंटेंट है अब इधर बच्चों को ऐसा टाइम पास करके एंट्री सिखाना पड़ता है आई वाज टेलिंग देम यस्टरडे ब्लैक एंड स्कोल्स इसॉप का यूज कैसे करना मैथमेटिक्स कैसे And I just was thinking to come down to accounting and then you entered since yesterday. So then, sir, these people are interested in some solving, question solving only. Never. ESOP milta hai. ESOP milta hai. Pata bhi hai kaise, kya hai uska sab kuch. But agar mere ko taxation file karne bologe, mere India mein, mere father-in-law hai, he's also a CA, he does for me. अगर कनाडा में बोलोगे देयर इज अ गाय हु डज फॉर मी आई डोंट इवन थिंक इज अ सीपीए बट ही डज फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे इफ आई वांट टू सेव टैक्स आई नो हाउ टू सेव ओके दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ एनीवन कहाँ सर बोलो देख वो सर बोल रहे तेरे को वो बोल रहा गौरव बोलो I'll just repeat the doubt online publicly. His doubt is
you're a CA and hospitality sector is totally different. Why, how that transition happened from hospitality or chartered accountancy to the hospitality? So hospitality is not only about serving guests, giving rooms, giving food, right? In the back end, there are a lot of analytical work that we do. In the back end, what we do is we make sure that the profitability of the hotel or the company is nurtured. And for that, you need someone who would do that, right? Every day, we have to make sure that there are three stakeholders in a hotel. One is the hotel management itself. One is the hotel company itself. And third is the owner. We have to make sure that all three are in line, right? And in a hotel, we should say that always a GM or a general manager is at the class or at the level. But along with that, you ask any general manager of any hotel, he will say, without a finance guy, I'll not even move a single pen of mine. He sees our signature and he signs it. For that, he needs someone, right, to make them understand what that number means, what that P&L means, whether the balance sheet is perfect or no. Like we in our world, we always say that a good balance sheet will always give you a good P&L, right? Because every waste that we dump is in the balance sheet, right? And we need to clear that balance sheet to give a good P&L. But for that, you need a chartered accountant, right? And then again, there was a time we never thought of robotic automation. In Singapore, you would have heard a hotel called Marina Bay Sands. He worked there. So I used to work there as an F&B analyst. I used to handle almost like $400 million business of theirs, which was a very small part of the whole resort. And we actually thought that when you go into a hotel or a restaurant, you see a napkin which gets folded with a cutlery inside, right? Done by a human being. And in that particular hotel, we do almost like 100,000 of that every day minimum. Because the covers are so much. We got a robot who does that, and we need one human being to do all that, and the rest human being, we asked them what you like to do. And they gave, and they actually told them what are their efficiencies. And we transferred them to that particular areas. The efficiency doubled. That's why you need a chartered accountant. There is a huge scope if you, once you enter, once you equip yourself with the proper set of skills, and this is the right age, these things cannot be learned at a later stage. You cannot develop the desire to learn at a later stage, for sure. Anyone else? Robot hum India se hi kharidte hain. Most of the robotic companies are from India. For your information, they just have someone in the outside world who help them supply their knowledge and their products. But most of the products is made out of India right now. There is a company in the Pune, Pari Robotics, Singhagad Road. They export around 30% of Middle East. Robots are made out there in Pune, in Singhagad Road. There's a huge scope, you don't even know the robotic. And these apolangas risk CA वगैरह कुछ जरूरत नहीं यार. I told you Python, there is no link of a chartered accountancy to the Python. I met one of the fellow just now, Sanat Chitale. He's managing the entire Python based code. I said, we'll meet somewhere else. I just showed them some Python codes today in the lecture. They went mad. Now, I was also surprised that yes, there are at least few people who have understood, but his problem was, how do I convince to this audience? I said, it's different. I can't do that. You know, there's a company called Cisco. Yeah. So last month in Canada, they hired almost 100 Indian chartered accountants and 50 CPA Canada to crack some codes with the help of their IT guys, because they were not understanding how to crack that code, because they don't understand the taxation, they don't understand the back end work.
they can just code it, but someone has to tell them how to code that. What would be the result, right? You need a CA. You need a finance guy. It's impossible. And this is the only sector which, or only course which is sector agnostic. Whether you go to hospitality sector or hospital or other things, I'll call like last batch is my friend Matthew Thomas. He heads EY in the UAE. They are working completely onto the blockchain with the objective of keeping entire property records. Right now, we don't have property records completely on a blockchain or other records. So they're working on, a chartered accountant is working on, how do I ensure the documentation of entire property records across UAE onto what? A blockchain. He's a chartered accountant. If he's coming for Christmas, I'll ask him. This is normally the holiday time period for them. You need to understand it at this age, if you grasp a right set of skills, you're off to a flyer error. Once you are clear with the intermediate, you will get a real exposure from the next, how many, 6-7 months? 6-7 months, you will be into articleship. Life will change upside down. For him, it was a PKF. PKF was a great firm. Spend your time in articleship. I should say invest your time in articleship. Right? That is the time you will learn a lot. Like, I've done so many different projects, but I don't know what made me move to hospitality, but I moved. But the exposure in articleship is much more important. Right? In front of me, the T3 airport was built. Like, there are signatures where, because of our signatures, some of the structures were built. So when I came to this airport for the first time, 10 days back, I was like, oh, this structure was built because of our signature. That gives you that zeal, right? Last question. Our question is, by replacing humans with robots, are you not increasing unemployment? So if you remember one of my example where I said that when we implemented a robot into a process, we asked the person who were working in that particular process what your interest is. And they were doing that particular work without any interest, just to make their family feed, right? But by understanding their efficiency, by understanding their interest, not only we were able to achieve our efficiency, we were able to secure our jobs. And FYI, in COVID, we most of the people were furloughed, right? But no one in any company thought of furloughing one finance guys. Not even a single finance guy, what I know, was furloughed. They were all been kept to do their work. And always people ask robots and human beings. There will be a point that human beings will not be required. At the end of the day, if the error comes, we are the only one who have to go and crack that error out, right? So there will be no time that the opportunity from the human being will be gone. There will be always a time when you will find some other areas to improvise in the robots or in the other sectors. And to do that, you have to continuously fine-tune yourself. Change according to yourself. 12 years back, we never thought that achha koi robot aayega will be able to do something. But if I would have that made my mind, then I don't think that today anyone would have hired me. Right? You have to continuously evolve yourself into the culture. Even your father, right? There was a time he knows mobile, no. Even my dad, he never, like, I still remember there was a day I was like, Papa, phone le lo. Hey, ye mobile phone is a paisa hi hota hai. But today he thought and he changed himself. And that's why he is able to walk along with us. And that is always important. Right. Thank you, Golu. Just go down, huh? Rishabh should be there in the office. Or I'll come in a break. Hopefully. Yeah. Chalo. Bye. सो चलो टंट वाली चीजों पे वापस आ जाते हैं. करना तो पड़ेगा. वो दुनिया में तुमको जाना है तो ये तुमको करना पड़ेगा.
लेकिन तुमको इतना बोलता हूं, तुम ये चीजों से गुजरोगे ना, चलो ये थेरोटिकल है, सब कुछ है, मैं तुमको सिर्फ मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। तुम अपना इंस्टीट्यूट के तरीके से चलोगे, वो नॉर्मल प्रेस्टिज पॉइंट कल्चर के हिसाब से चलोगे, आप टैक्स ऑडिट रिटर्न, जीएसटी रिकंसिलिएशन ऑडिट करते रहो, क्योंकि विजन ऐसे ही नहीं बनता है। मैं तुमको मोल्ड कर सकता हूं अच्छे तरीके से, मैं तुमको बर्बाद भी कर सकता हूं, चॉइस मेरे हाथ में। बर्बाद मतलब एग्जाम के लिए तो वो छोड़ दो, वो तो बकवास है बच्चे को, लेकिन समझता नहीं ना। मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, मैं तुमको ये पर्पसफुली एग्जाम्पल्स इसलिए दिखाया, मतलब इट इज नॉट, मैंने तुमको बोला था ग्रुप वन में, बोला था मैं इसको ऑनलाइन ले लूंगा कनेक्ट करने के लिए, मैंने बाद में छोड़ दिया, अरे ये बच्चे साला मरे वो परेशान कर रहे हैं। देन द लास्ट संडे आई थॉट लेट मी ट्राई टू चेंज, होपफुल तुम चेंज हो सको। और तुम्हारे पास मतलब लेट मी टेल यू इन टर्म्स ऑफ द इनपुट दैट आई यूज टू पास ऑन टू दीज पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इनपुट दैट आई एम पासिंग टू यू पीपल एज ऑन टूडे, there is a huge change because of what? technology ne mujhe itna sara enable kar diya yaar, matlab screener tha hi nahi, screener hi nahi tha, Mr. Mittal had not created a screener itself, there is no concept of screener, there is no concept of MCA 21, so there is not way of getting a data, so whatever ratios I had to explain, I have to do it on a calculator, blackboard or something else, there is no concept, so there is no technology. Without a technology we could achieve this? You don't even know कि क्या लेवल पे लेके जा सकते हैं। मैं आपको बोला कम से कम से 400-500 बच्चे मेरे टच में कहीं पे भी, मतलब whether you tell me सिंगापुर, you tell me US, you tell me ऑस्ट्रेलिया, you tell me UK, भर भर के, क्योंकि वो लोगों को चेंज होते देखा है। और वो ऐसा नहीं है कि कुछ अबनॉर्मल चाहिए उसको, कुछ भी अबनॉर्मल जरूरत नहीं है तुमको, कुछ भी अपना नॉर्मल जरूरत है, नॉर्मल किड विद द प्रॉपर सेट ऑफ एफर्ट्स, सिर्फ माइंडसेट जरूरी है। और सीए वो तो ऑब्वियसली डिग्री तो तुमको लगेगा, डिग्री क्यों लगेगा, क्योंकि उसके बिना दुनिया पहचानेगा नहीं तुमको, इनपुट के लिए डिग्री चाहिए ना। हाँ यार ये आ गया इंडियन माइंडसेट। सर आप गर्ल्स स्टूडेंट्स को इन्वाइट नहीं करते क्या? ये मध्य प्रदेश था सर, आप गर्ल स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करते हो, किधर गया है क्या, नहीं ये ग्रुप तो कर रहा है क्या, क्या हो क्या गया यार ये लड़कियों को? सर आप गर्ल स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करते हो, सर आप गर्ल स्टूडेंट्स को नहीं बुलाते हो। अबे यार तू ही पास हो जा, तुझे ही बुला लेता हूं। Never expected this question. Gender में रखा क्या है ऐसे, यही तो माइंडसेट है ना, मतलब इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, बट ठीक है हाँ उनको भी बुलाऊंगा मैं पक्का, बहुत सारे। सो अलकॉल CA IIM ग्लोबल फंड मैनेजर बुलाऊंगा, लेट मी सी whether she is in India or not, शिवानी तंदुकर के बुलाऊंगा, बहुत सारे, एक मैं तुमको एन नंबर ऑफ ऐसे जेल, अब ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं यार। तो क्या सोच सकते हो तुम लोग? और वो भी कैसे, बाकी कुछ चीजें सुन सर, ठीक है आई विल कॉल, इट्स ओके, माय मिस्टेक, हा नो ऑन अ सीरियस नोट, ओ फॉरगेट अबाउट इट, आई विल मैनेज, दैट इज नॉट अ बिग डील। इट्स मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है, एट माई पर्सनल लेवल तुम लोग सोचते हो यार ये इतने सारे बच्चे हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा होता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यहाँ पर है ना बच्चा हर बार वो डेमो देखने आता है, इधर भी अभी डेमो वाला क्राउड बैठा होगा, वो कल की दो माताएं थी शायद, एक माता है मेरे हिसाब से भी, वो सोने वाली कौन सी माता थी उधर, वो नहीं आई, यहाँ डेमो वाली माताएं रहती थी, ऐसे बच्चे डेमो देखने आते हैं। भाई तुमको समझेगा क्या, मैं तुमको बोल रहा ना, मैं तुमको हिप्नोटाइज करना हिप्नोटाइज कर सकता, लेकिन बच्चा जो है ना वो नॉलेज लेने के लिए नहीं आता है। ही थिंक्स दैट आई एम अ बिजनेसमैन आउट हियर, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर अ सर्विस रिसीवर एंड देयर इज अ जीएसटी इन बिटवीन, एंड दैट इज हाउ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर। अब मुझे बोलो इनके साथ मैं 14 साल कनेक्टेड हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे, मुझे क्या पैसा मिलता है उनसे, अभी आज भी फिर देते क्या? नहीं ना, इट इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स,
You don't even know how the relations work, how you can change. My entire Satvik we got created because of those relations. Akshay ko main kabhi bulaunga, matlab yaar busy itna rehta hai ki bulana mushkil rehta hai. Humne kya kya kiya hai, businesses build kiye hain aapko. हम अंटार्कटिका पे हमने गूगल के साथ मैच करके क्लाइमेट चेंज की बात के कोई नहीं कर रहा था, तब हमने क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च किया हुआ है. अब बोलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाऊंगा मैं संग्राम को, संग्राम का कट करके बंदा है ये सब बच्चे. मतलब दिस आर फोर एंड दिस नॉट समथिंग दैट वी हैव डन ऑन टाइम पास, दिस इज ओनली अ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन. दैट इंटेलेक्चुअलनेस अमंग द स्टूडेंट्स इटसेल्फ, I'm saying intellectualness. I'm not talking about other things. वो intellectualness, तुम आवाज करने को तुमको interest है, तुमको Instagram में interest है, मैं बाकी क्या time pass करता हूँ उसमें interest है. अरे वो भाड़ में जाए. You have come here for the sake of knowledge. Take that and get lost. Get lost in a sense, it's that knowledge you need to gather. But unfortunately, what has happened to the teaching profession or the students is students are interested in the knowledge and they think that they are getting a knowledge and which is completely fake. It's complete fake knowledge. I not understand. That is the reason why I keep on saying, mujhe teaching band karna hai. That is because of that. It's because of that. Kyunki jo lag raha hai na, I can't be fake to myself. Kab tak main yahan pe acting karu yaar? And aisa nahi ki tumko jo subject ka content hai, tumko lagta hai ki main subject ka content nahi sikhata tha? Nahi sikhata hota to ye pass hi nahi hote the. पास ही नहीं होते थे ना, तो पासिंग तो होता है ना, लेकिन पुराने जमाने में बच्चों को ये समझता था. मेरे को याद नहीं यार मैंने कभी लीफलेट बनाया होगा, इनके ने लीफलेट ही बनाया नहीं था. ऐसा है ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन लो, आ जाओ बैठो. और आजकल क्या क्या करना पड़ता है, वीडियोग्राफर बुलाना पड़ता है, फोटो लगाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है. मतलब ऋषभ सर ने भेजा होगा उसको, बोलते उनको बोलते करना पड़ता है सर. मतलब तुमको जो देखना है देख लो, मेरे को तुमको जो करना है कर लो, कि मैं नहीं हूं उस माइंडसेट का. वो करना पड़ता है तब जाके बच्चों को समझ, मतलब बच्चों को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भाई हम भी है, हमको भी आता है. क्योंकि जस्ट बिकॉज कितने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, क्या है ये क्या है, उसके बेसिस पे बच्चे क्लास डिसाइड करते हैं. बच्चों को समझ में नहीं आता ना, मतलब होटल यू आर डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ MBS, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फूड. फूड क्या है, ये हो गया है, एंड दैट इज अ सैड रियलिटी. देन इट बिकम्स अ बिजनेस. I'm not saying I'm not doing a business. I'm doing. But before that particular business, there comes a certain ethics. You will also doing a business. You will also be doing a job. I'm not saying don't earn the money, but there is always a means to earn that particular money. You create, teaching is such a noble profession whereby you can create impact. And that impact I could see initial years, massive, huge impact. And then I could see a huge decline in that impact and huge increase in the money. Money increased, number of students increased, increase in money with a decrease in impact. Why? Because the environment changed. Then I said, if it is a only money factor, then there are means to earn the money which are way better than this. Way better. It is not only stock market, other things than the stock market. Bahut sari cheeze yaar, anap shanap cheeze kar sakte tum. Ab utna dimag empower ho gaya hai. बट प्रॉब्लम वहां पर है कि वहां पर मैं अकेला ही रह जाऊंगा. आई कैनॉट क्रिएट. यहां पर मैं एक बैच में ऐसे 10-10 बच्चे भी क्रिएट किए ना, पुराने जमाने में स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा बच्चे क्रिएट होते थे. मैं तुमको एग्जांपल्स भी नहीं दे रहा हूं, इतने सारे मतलब 400-500 लिस्ट बनेगा यार, किसको लिखो किसको नहीं लिखो मेरे को प्रॉब्लम आएगा. वो बनते थे और वो सुनते थे बच्चे, सिर्फ वो ट्रस्ट था. आज मुझे लगता है ना वो ट्रस्ट वाला जो फैक्टर ना वो जीरो तो नहीं कहना चाहिए मैंने, बहुत कम हो गया. बच्चों को समझता नहीं है. और ये जब जिंदगी में होगा ना तो तुम जब वो ट्रू लर्निंग है ना, वो ट्रू लर्निंग तुमको समझेगा. एक बार उसकी लत लग गई ना, यू विल गो मैड. आई होप यू अंडरस्टैंड. जाने दो, अब क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग करेंगे इस हिसाब का, करना तो पड़ेगा, पास तो होना है ना. तो पहला कंडीशन क्या बोला, कॉस्ट हम P&L को डेबिट करेंगे. कौन से पीरियड पे, वेस्टिंग पीरियड पे. नंबर टू, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर गलत तरीके से लिखा मैंने. नंबर थ्री, इफ ऑप्शन लैप्स देन वी विल रिवर्स दी कॉस्ट. क्यों रे, लॉजिक क्या था,
कॉस्ट का जो डेबिट हुआ था वो एस्टिमेट बेसिस पे था. डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग आप कैसे करते थे? एस्टिमेट. हाँ बोले काय का एस्टिमेट सर, यूजफुल लाइफ एस्टिमेट किया था कि नहीं? नेक्स्ट स्क्रैप वैल्यू क्या था? एस्टिमेट था है ना. सो डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में एस्टिमेट था. रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तुम एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड देते हो, पेंशन देते हो या ग्रेच्युटी देते हो, वो कब देते हो? आफ्टर रिटायरमेंट है, मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह आप रिटायरमेंट के बाद देते ना. लेकिन उसका अकाउंटिंग कब करते हो? पीएनएल को डेबिट कब करते हो? ओवर द इयर्स ऑफ सर्विस. क्या बेसिस पे? तुमको मालूम है एग्जैक्टली कितना प्रोविडेंट फंड देने का एम्प्लॉय को? तुमको मालूम है एग्जैक्टली कितना पेंशन देने का है या ग्रेच्युटी कितना देने का है? ग्रेच्युटी आपने इनकम टैक्स में किया होगा, सेक्शन 10, 10, 1, 2, 3, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, 15/26 ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 6/12, ओ पार्ट देयर ऑफ, आई फॉरगॉट, एग्जम्पशन अप टू ₹10 लाख इन केस ऑफ 10, 10 to 10 लाख का भी कितना बढ़ा दिया था बीच में मेरे हिसाब से, 20 लाख है. सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लिमिट नहीं है मेरे हिसाब से. वो ग्रेच्युटी कब पे करना है मेरे को? रिटायरमेंट पे. लेकिन पीएनएल का डेबिट कब करूं? अक्रूअल बेसिस पे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज डेबिट टू पीएनएल इज विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट ऑफ ESOP कॉस्ट. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एस्टिमेट ऑफ व्हाट? ESOP कॉस्ट. डेबिट टू पीएनएल इज विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट ऑफ ESOP कॉस्ट. एस्टिमेट्स कैन चेंज ईयर ऑन ईयर. एस्टिमेट्स कैन चेंज ईयर ऑन ईयर बेसिस. ईयर ऑन ईयर बेसिस. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. ये कोर प्रिंसिपल्स याद रखना. एंट्रीज वगैरह सब कुछ मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे करवा के लेता हूं. सो लुक एट द क्वेश्चन. और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है वो ना, बच्चे बोलते हैं सर तुम बहुत चिल्लाता है, तुम हमको ये करता है, तुम्हारे भले के लिए करता है. मैंने तुमको क्या बोला? जिस दिन मैं तुमको चिल्लाना बंद करूंगा ना, समझ लो एक आदमी है. क्यों? तब से तुम्हारी आरती गाओ बेटा. बच्चे कैसे मतलब तुम हो कौन? बड़े हो जाओगे ना, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता. वाई? तुमने गलत किया तो मैं चिल्लाऊ नहीं तुमको? और तुमको आज से प्रेज करना चालू किया, तुम कितने अच्छे हो. तुम क्या हो जाएंगे? पैम्पर्ड हो जाओगे. जो तुम घर से लगता ना, वो तुम कल बोला था मैंने, जाने दो. एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं. अच्छा रीसेंट एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं. कौन सा एग्जाम था? नवंबर 22 का पेपर करते हैं. नवंबर 22 का पेपर है. सो इसमें आया था पेपर. बुक नहीं है तो भी ठीक है ना, आप लिख सकते हैं नवंबर 22 का पेपर है. अब ये रिसेंटली इंस्टीट्यूट को ये समझ में आया है कि इसको 5 मार्क के लिए पूछना चाहिए. तो इन्होंने यही क्वेश्चन जो 2 साल पहले 10 मार्क को पूछते थे ना, वो इन्फ्लेशन की वजह से अभी 5 मार्क को पूछने लग गए. कुछ नहीं कर सकते. अब ये 5 मार्क को क्वेश्चन 6C आया है. अब इधर घटिया जोक मार सकते हैं 6C, इधर इमीडिएटली बच्चा बोला इधर चल हो गया उसका. कोई तो कौन था वो? हाथ वर्ग इतना सेक्सी नहीं है, 6C है ना. क्यों? बच्चे को वही इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है. देखो इट्स ओके. क्वेश्चन टाइम के अंदर कंप्लीट होना नामुमकिन है. क्यों? मैं कुछ भी नहीं कह सकता. एट द बिगिनिंग ऑफ द, हाँ ये लेकिन फोर्थ कोर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है. क्या फोर्थ कोर प्रिंसिपल बोला था मैंने? एस्टिमेट विल कीप ऑन चेंजिंग. इट्स बेस्ड ऑन एस्टिमेट. बिकॉज ऑन डे वन व्हेन यू ग्रांट ऑप्शन, ब्लडी यू डू नॉट नो. व्हाट यू डोंट नो? ऑप्शन एक्सरसाइज हो. ओके एक्सरसाइज बाद में. वेस्ट होगा कि नहीं? वेस्ट हो गया तो एक्सरसाइज होगा कि नहीं? क्वेश्चन मार्क. देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वन एन एंटरप्राइज ग्रांट्स 1000 स्टॉक ऑप्शंस टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. वेरी गुड. सीनियर जूनियर उससे फर्क नहीं पड़ता. कितने ऑप्शन दिया? 1000.
If nothing is given, we assume one option equal to one share, headline. If nothing is given, then we assume one option is equal to one share. Then we assume one option is equal to what? One share. One option equal to what? One share. So, look at it. At the beginning of the year 1, enterprise grants how many options? 1000 options to senior executive, conditional upon executive remaining in the employment for until the end of the year 3. Very good. To bachcho, condition mein humne sales dala kya kuch? Profit dala kya kuch? Kya condition dala sirf? Tum 3 saal hamare saath ruko, 3 saal ke baad hum tumhe kya karenge? Shares denge. आज राइट दिया है, 3 साल के बाद शेयर्स देंगे ना, राइट तो आज ही दे दिया हमने, ग्रांट हमने ग्रांट कर दिया, 3 साल के बाद क्या होगा? वो वेस्ट होगा. ओके, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन में एक्सरसाइज पीरियड रहता ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? जिस दिन वेस्टिंग हो जाएगा, एक दिन में सारे के सारे ऑप्शन वेस्ट हो गए. यहां पर एक्सरसाइज प्राइस इज 400, हाउएवर exercise price to drops to 300 if earnings of the company increase by at least average of 10% per year over the 3 year period. Ah, jannat. Wo employee ko bol rahe, dekh, agar 10% CAGR humne achieve kiya, 10% average increase achieve kiya, kisme? Profits mein, sales mein nahi hai. Kal sales bola tha, earnings bola hai. Earnings matlab profit. Agar profit 10% se grow hue, to 400 के बदले में तुम्हें शेयर हम सस्ते में देंगे. कितने में? क्यों? अरे कंपनी को फायदा हुआ ना. क्या फायदा हुआ? प्रॉफिट हुआ ना कंपनी को. ये तो गौरव के वही तो बोल रहा था, तू यू विल बी हायर्ड ओनली इफ यू कैन ऐड अ प्रॉफिट टू द कंपनी. वैल्यू एडिशन यू नीड टू शो कि तुम कंपनी के लिए कुछ फायदा कर सकते हो. ऑन द ग्रांट डेट enterprise estimates that fair value of options with the exercise price of 300 is 160. If exercise price is going to be 300, value of option is 160. Yaad karo, maine kal bola tha, depending on exercise price, value of option will change. 300 ka agar exercise price hai, to option ki value kitni? 160. Option ki value matlab kya? Cost to company. To bolo bachcho, ek bar aisa mantra pad lete hai. Option value is equal to cost to company. इन चीजों से क्या है ना, वो जो सोने वाला पब्लिक है वो सोएगा नहीं. ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू इफ एक्सरसाइज प्राइस इज 400, ऑप्शन का वैल्यू विल बी 120. आप बोलेंगे कैसे सर? अरे तुमको अगर शेयर महंगा मिलेगा तो उस ऑप्शन की वैल्यू हमेशा, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट एट 300, आई विल अलाउ यू टू बाय इट एट 400, देन ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ ऑप्शन विल बी लेसर. एक सिंपल ये भूल जाओ, 2 मिनट के लिए. निफ्टी अभी चल रहा है 18300 पे. आई डोंट नो क्लोजिंग कहां पर हुआ है. क्लोजिंग 18300 के नीचे गया. हाँ, पुतिन ने कुछ मिसाइल मारा था. 18269, वी हैव एंटर्ड अ बेयर मार्केट टेरिटरी, शॉर्ट टर्म बेयर मार्केट. सो 18250 पे निफ्टी है. आई अलाउ यू टू राइट टू बाय निफ्टी एट 18500. निफ्टी इज इंडेक्स. 18500 पे मैं राइट देता हूं तुम्हें खरीदने का. यू पे एक्स प्राइस for it, whatever the price. I say no, I will give you right to buy Nifty at 18,700. 18,500 ke jagah pe main tumko 18,700 pe Nifty khareedne ka haq deta hu. Will you pay X? You will pay X minus something because you have right to buy it at a higher price. To waisa hi idhar 300 ka option jab tha strike price, to uska cost kitna tha? 160. Fir kitna ha? 400 ka price kitna hua re? 120. Samjha gaye re? ड्यूरिंग द ईयर 1. ओके, टोटल टेन्योर कितना है? 3 ईयर्स. अभी दिक्कत क्या है मालूम है? ऑप्शन का जो लाइफ है वो 3 साल की जगह पे 3 साल ही हो सकता है. अर्निंग्स ग्रो एट 10%. हाँ ठीक है. अर्निंग्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय हाउ मच? 12. एंड एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स दैट अर्निंग्स विल कंटिन्यू एट दिस रेट ओवर द नेक्स्ट
2 years, तो अगले 2 साल में भी 12-12% से ग्रोथ होगा, मतलब 10% का ग्रोथ होगा क्या? हाँ, 12-12-12 एवरेज 12. क्यों ये रिलेवेंट क्यों है? इससे ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होगा. 12-12-12 अगर हर साल ग्रो हुआ 12 से, तो स्ट्राइक प्राइस कितना होगा? 300. The enterprise therefore expects earnings target will be achieved and hence options will have exercise price of 300. This is the estimate you did in which year? First year. Can your estimate change? Yes. When you gave your foundation exam on the last day of the paper, you estimated that you will get 270 marks, for example. After a few days, your estimate might have come down. By the time exam result date came up, you just said to God, God, kuch to bacha le, 200 de de bas. मतलब एस्टिमेट चेंज हुआ कि नहीं? जब तुम छोटे थे तुमको डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था या IITian बनना था, पांचवी में IIT के क्लास में गए होगे. कितने लोग यहाँ पे पांचवी सातवीं आठवीं में IIT में जाके आए? इधर हाथ उभर करो IITians. देखो ये IIT के इंजीनियर बनने वाले थे, कहां पर आए? टेंट बनने आए. एस्टिमेट मतलब जो प्लानिंग था वो चेंज हो गया ना. ईयर टू में देखो क्या हुआ. अब प्लानिंग चेंज होगा, उसके हिसाब से अकाउंटिंग चेंज करना पड़ेगा. During the year 2, earnings went up by 13%. अरे वाह, और बढ़िया. An enterprise continues to expect earnings target will be achieved. तो अभी भी क्या है? उनका estimate है कि वो 300 का ही strike price रहेगा. Year 3 में जाके देखते हैं actual में हुआ क्या. लग गई. Year 3 में COVID आ गया. Earnings increased by only 3%. पहले year में कितना होता? 12. दूसरे साल में कितना हुआ? 13. तीसरे साल में कितना हुआ? 3. इनका हम सिंपल एवरेज लेंगे. सीए कोर्स में CAGR वगैरह इतना मुश्किल नहीं करने का. बोलो 9.333 लग गए. इफ अर्निंग्स ग्रू एट 10%, देन स्ट्राइक प्राइस वुड बी 300. अब दिक्कत क्या है मालूम है क्या? पहले दोनों साल में हमें यह लग रहा था कि स्ट्राइक प्राइस विल बी 300. अब थर्ड ईयर में जाके पता चला, अरे यार शिट, नहीं हो सकता. सो ड्यूरिंग द ईयर 3 अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय ओनली 3% एंड देयरफॉर अर्निंग्स टारगेट वाज नॉट अचीव्ड. एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स अ 3 इयर्स ऑफ सर्विस, देयरफॉर ही सेटिस्फाइज द सर्विस कंडीशन. बिकॉज अर्निंग्स टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, 1000 वेस्टेड ऑप्शंस, अभी वेस्ट हो गया ना, हैव एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 400. तो बच्चे यहां पर किस चीज का एस्टिमेट चेंज हुआ? स्ट्राइक प्राइस 300 के जगह पे. लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन भी चेंज हो गई. पहले हमें लग रहा था हमारे ऑप्शन की कॉस्ट 160 है, अभी ऑप्शन की कॉस्ट कितनी हो गई? 120. जन्नत क्वेश्चन सेट किया एग्जामिनर ने. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर ऑन ईयर एज एक्सपेंसेस. एंट्रीज पूछा नहीं, अरे सॉरी, क्वेश्चन इज सॉल्वेबल इन टाइम. एंट्रीज आर आस्क्ड. गुड, आई टेक बैक माई वर्ड्स, देयर इज नो इन्फ्लेशन. सिर्फ अमाउंट पूछा है. जन्नत क्वेश्चन है, ब्रेनी. दिस इज नॉट अ टिपिकल टंट क्वेश्चन. टंट क्वेश्चन अकाउंटिंग एंट्री पूछता है. ये अकाउंटिंग एंट्री पूछा है क्या? ना, सुधर गया इंस्टीट्यूट. क्या पूछा है उसने? P&L को डेबिट कितना करोगे? पूछो. मैंने अभी अभी क्या बोला था? डेबिट टू P&L फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ो. अरे पढ़ो, देख रहे फर्स्ट प्रिंसिपल. कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन इज स्प्रेड ओवर. अपने एग्जाम्पल में वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल है. क्यों है? दिया है क्वेश्चन में कि वेस्टिंग पीरियड इज इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स. ठीक है, क्या मालूम नहीं है मुझे स्ट्राइक प्राइस वो कितना हो सकता है? 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना स्ट्राइक प्राइस. अरे पब्लिक, स्ट्राइक प्राइस कैन बी एनीथिंग टू, मतलब 300-400. हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में एस्टिमेट लेना पड़ेगा. तुम दोनों हिसाब से नहीं सॉल्व कर सकते. कितना एस्टिमेट लेंगे हम? 300 के हिसाब से P&L को डेबिट निकालेंगे. ईयर 2 में भी 300 के हिसाब से P&L को डेबिट निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में जाके क्या होगा? 400. एक लाइन बोलता हूं, चलो कोर प्रिंसिपल नंबर 5, खतरनाक लाइन है, जन्नत है ये. डेबिट टू P&L, डेबिट टू P&L इज इक्वल टू cumulative expense by the end of the year.
क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब उस साल के एंड तक क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर कितना है, माइनस क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। बच्चा बोलता है ये क्या है, आधे बच्चों को समझा ही नहीं है, है ना, चेक कर लो समझाएगा तुमको, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है ये। अरे समझा क्या, शर्ट का बटन बंद कर पहले, सलमान खाने के तू क्या समझा रही? क्यूमुलेटिव दिस इज रिलेवेंट फॉर ईयर टू एंड ईयर ईयर टू ऑनवर्ड्स, ईयर वन में ये रिलेवेंट नहीं है। ईयर टू में हम जाके क्या पूछेंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर टू हाउ मच शुड बी आवर कॉस्ट। ईयर टू के एंड में जाके हम पूछेंगे हमारा कॉस्ट कितना है बाय क्यूमुलेटिव बेसिस पे, और कितना हमने ऑलरेडी पीएनएल को डेबिट किया है। डिफरेंस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल, क्यों, एस्टिमेट कैन चेंज। अब इस एग्जांपल में ईयर वन से ईयर टू को एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, एस्टिमेट कब चेंज हुआ, ईयर थ्री में एस्टिमेट चेंज हुआ ना। चलो देखा सिक्सी तुमने विजय सर पे गाना बनाया था ना, क्या बोले सिक्सी क्वेश्चन नंबर नवंबर 22 कैलकुलेशन ऑफ डेबिट टू पी एंड एल, कैलकुलेशन ऑफ डेबिट टू व्हाट पी एंड एल, कैन आई स्टार्ट पर्टिकुलर्स ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री। ईयर वन टू थ्री कैन आई स्टार्ट, हम क्या कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए, क्या बोला था मैंने, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ऑप्शन माइनस स्ट्राइक प्राइस। बट अभी डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ ऑप्शन डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रिंटेड है, ऐसा करना ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रिंटेड करके दिया ना, कॉस्ट पर ऑप्शन इज इट गिवन, यस, कितना है कॉस्ट पर ऑप्शन, क्यों, बेस्ड ऑन द स्ट्राइक प्राइस। ओके स्ट्राइक प्राइस का जो अजम्पशन है, यहां पे लिखो, मैं स्ट्राइक प्राइस लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन पे, स्ट्राइक प्राइस पहले साल में हमें क्या लग रहा था स्ट्राइक प्राइस कितनी होगी, 300 होगी ऐसा लग रहा था, अरे हाँ है ना, 300 के स्ट्राइक प्राइस के लिए हमारी कॉस्ट कितनी थी 160, है ना, कितने ऑप्शंस हमने ग्रांट किए थे ससुरे, नंबर ऑफ ऑप्शंस थे 1000, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट अपनी कितनी है, टोटल कॉस्ट ओवर द वेस्टिंग पीरियड, दिस इज टोटल कॉस्ट ओवर द वेस्टिंग पीरियड, अपना एक ऑप्शन का कॉस्ट कितना है 160 है, और हमें उसको स्प्रेड कितने ऑप्शन है 1000, बोलो 1,60,000 इज आवर टोटल कॉस्ट, नॉट आई डिड नॉट से टोटल कॉस्ट ऑफ वन ईयर, दिस इज अ टोटल कॉस्ट टू बी स्प्रेड ओवर वेस्टिंग पीरियड। अभी कितने साल हो गए, एक ही साल हो गया, अब उस साल में डेबिट कितना ढूंढेंगे हम, कैसे ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव कॉस्ट बाय एंड ऑफ द ईयर, टेल मी 1,60,000 कितने पीरियड का कॉस्ट है। Okay, by the way, this is the toughest question that you will get up in the chapter. ये मैं सबसे tough पे गया, मेरे को नहीं मालूम था, वही तो बोलो ना, तुम एक बार तुम्हारा level, तुमको लगा tough? नहीं, क्यों? तुमने concept सुना था, 1,60,000 divided by 3 into 1, why divided by 3? It is to be spread over 3 years and by now only first year is completed, less
cost already recognized by end of what? Previous year. Zero. क्यों रे? है ही नहीं ना कुछ. तो मेरा cumulative cost कितना है बच्चों? 160,000 है मेरा cumulative. नहीं, 1 लाख नहीं. तो मैंने calculate नहीं किया था. 53,333. मैं debit कितना करूँगा? Therefore debit to P&L. Debit to P&L first year में कितना हुआ? 53,333. ना ईयर टू में गया. मुझे बोलो मेरा स्ट्राइक प्राइस का एस्टीमेट कितना रहा? 300 ही रहा. क्यों रे? अरे रिस्पांस लॉजिक. क्योंकि प्रॉफिट का हमें लग रहा था प्रॉफिट विल ग्रो एट 10%. दो साल हुए थे, थर्ड ईयर में भी हमें लग रहा था प्रॉफिट विल ग्रो एट 10%. ओके, हर साल 10% से ग्रो होना जरूरी नहीं था. एवरेज शुड बी 10%. आप बोलोगे सर मालूम है ना, लेकिन हमको 9.33. अरे गधे, वो थर्ड ईयर में जाने के बाद पता चला. अभी हम किधर है? प्रेस्टीज पॉइंट में. कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन इज 160, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 1000. कॉस्ट कितना है? 1000 × 160. ए कैन नंबर ऑफ ऑप्शंस चेंज इन ईयर टू? यस, सम ऑप्शंस माइट लैप्स. यहां पर एक ही एम्प्लॉय का क्वेश्चन चल रहा है, तो लैप्स होने का सवाल नहीं है. वो एम्प्लॉय छोड़ के गया तो हाँ, अब आएगा मजा. देखो 1,60,000 इज आर क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 3. आउट ऑफ 3 हाउ मेनी आर ओवर? 2 आर ओवर. सो बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर हाउ मच शुड बी क्यूमुलेटिव कॉस्ट? डिवाइड बाय 3 इज 1 ईयर कॉस्ट. दो साल हो गए तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट बोलो. 1,66,000. 1,06,666. ठीक है, अब समझा क्या? अब बच्चों यहां पर परफेक्ट ईयर वन में ईयर वन ही आ गया, 12 महीने आए. कभी कभी क्या हो सकता है, ईयर वन में के 5 महीने थे, ईयर टू के 12 महीने, ईयर थ्री के 12 महीने और ईयर फोर के 7 महीने. 3 ईयर्स है, बट 3 ईयर्स ऑप्शन के मे बी स्प्रेड ओवर 4 अकाउंटिंग ईयर्स. बाउंसर, तुम इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल का लेते हो, बट एट 1 ईयर may be spread over 2 accounting years. So what do? In the ratio of number of months. Months or days. Kuch days ka cost aap idhar book karte ho, kuch prepaid insurance dikha ke agle saal book karte ho. Aisa AS11 naam ka ek chapter tha group 1 mein. Usme forward contract liya tha. Forward contract ka premium tha. Ya discount tha. Wo discount bhi aapne aise 2 saal mein spread kiya tha. Yaad aa raha to? Nahi aa raha to bhi theek hai. माइनस 1,06,000 वो ईयर टू की कॉस्ट नहीं है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट है. उसमें से हमने कितना रिकॉग्नाइज कर लिया? 53 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया ईयर वन में. तो अब कितना डेबिट करेंगे? 53,333. समझा क्या? मजा कब आएगा? ईयर थ्री में स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया? 400. इससे क्या हुआ ससुरा? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन अपनी कम हो गई, सस्ता हो गया ऑप्शन. क्यों सस्ता हो गया? उसने कंडीशन मीट नहीं किया ना, तो उसको ऑप्शन अभी 400 के भाव पे देंगे हम, तो उससे 100 रुपया ज्यादा कलेक्ट करेंगे, तो अपना कॉस्ट कम हो गया ना. एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा लिया. नंबर ऑफ ऑप्शन 1000. ये प्राइस ऐसा डायरेक्ट आप बोलेंगे सर 300 का 400 हो गया, वो 160 का 260 होना चाहिए था ना, या 60 होना चाहिए था. ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं रहता, वो ब्लैक एंड स्कोल से आता है. 1,000 × 120. Oh my God, my cost is how much? 1 lakh? So good question, I love it. Divide by 3 × 3. 40,000 bol rahi gadi. Kaun diriya 40,000? Divide by 3 × 3 is 40,000. Par phir poochte hai ladke, wo kyun nahi bulate? So, divide by 3 × 3 is equal to 40,000. It's okay. Minus 1,06,667. Joke ke liye tha. So we are gender agnostic. In case you understand English. 16,000
13,333 यहाँ पे तीन लेना, छह लेना पड़ेगा मुझे. 1,06,000 हमने रिकॉर्ड किया ऑलरेडी, और यहाँ पर एक रुपया बढ़ा लो. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मालूम है क्या? वो 1,20,000 जो कॉस्ट थी ना अपनी एक्चुअल में, वही पी एंड एल को डेबिट हो गई है. सी पहले एस्टिमेट था 1,07,000 का, लेकिन एक्चुअल में जाके 1,20,000 आया, तो 1,20,000 ही रिकॉर्ड करना पी एंड एल में. हर साल क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे. क्या एंट्री? एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग. फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना आएगा? 53,333. सेकंड ईयर में अमाउंट कितना आएगा? 53,333. थर्ड ईयर में 13,334. डेबिट टू पी एंड एल विल वेरी फ्रॉम ईयर टू. फाइनली आपके ESOP आउटस्टैंडिंग में बैलेंस कितना हो गया? 1,00,000. पूछा नहीं जर्नल एंट्री, बट मैं आपको सिर्फ एंट्री बोल रहा हूं. हर साल डेबिट का एंट्री समझा ना. तीन साल के बाद देखो क्या होता है. बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 ऑप्शंस, 120 स्ट्राइक प्राइस 400 था ना, 400 के भाव पे आपने को पैसा मिलेगा. कितना मिलेगा? 4,00,000. इस ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 1,000 × 120 1,20,000. कैसे? ये हिसाब आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी क्रेडिट हो गया होगा, वो अभी हम डेबिट कर रहे हैं टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी फेस वैल्यू दिया नहीं है, बट सीए कोर्स है तो 10 रुपया मैं अज्यूम कर लेता हूं. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,20 में से 10 गया, 5,10,000 है. हैव यू अंडरस्टूड? 5,10,000 समझा गया? सिक्योरिटी प्रीमियम को गया. तो जो खर्चा हम का वट एवर एक्सपेंडिचर वी हैड, वी डेबिटेड इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द इयर्स, बट नॉट इन इट, इट डिडंट गो इन इक्वल रेशियो. व्हाई डिडंट गो इन इक्वल रेशियो? बिकॉज एस्टिमेट चेंज्ड. हैड देर बीन नो चेंज ऑफ एस्टिमेट, इट वुड हैव गॉन इन इक्वल रेशियो. बट देर विल बी चेंज इन एस्टिमेट, देर कैन बी चेंज इन नंबर ऑफ ऑप्शन. अब बोलेंगे कैसे सर? लैप्स हो सकते हैं ना कुछ. मैंने सारे के सारे एम्प्लॉइज को ऑप्शंस देते हैं, अज्यूम करो. सेकंड ईयर में कुछ लैप्स नहीं हो सकते क्या? थर्ड ईयर में कुछ लैप्स नहीं हो सकते क्या? ओके, जो वेस्ट हो गए वो एक्सरसाइज नहीं हो सकते, ऐसे भी हो सकता है ना? हाँ, वो भी आएंगे. क्या डाउट है सर? वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद अगर एम्प्लॉइज डेड एंड द ऑप्शन इजंट एक्सरसाइज, देन विल द लीगल? अरे व्हाई द हेल आर यू आस्किंग सच? कैन लीगल ईयर कैन एक्सरसाइज और नॉट? यस. Why? हाँ, मर गया वो तो उसकी प्रॉपर्टी देना. ऑप्शन वेस्ट हो गया है, एक्सरसाइज करना है. लीगल ईयर कैन एक्सरसाइज इट? व्हाई यू वांट टू गो इनटू इश्यू? सी दीज आर नॉट स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चंस. मर गया वो, ठीक है ना यार, लॉ का आंसर देगा. कर रहे थे ना टंट वाले को, लॉयर को काम. एम्प्लॉय मर गया तो अभी लीगल ईयर को मिलेगा क्या? मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. कंडीशन उसने फुलफिल किए, सब कुछ हो गया. बाय दैट लॉजिक विल आस्क टुमारो, सर एम्प्लॉय मर गया, उसकी बीवी को पेंशन मिलेगा क्या? उसकी बीवी को प्रोविडेंट फंड मिलेगा क्या? हस्बैंड को प्रोविडेंट फंड मिलेगा क्या? बीवी कुछ भी हो जाए मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? सर अगर एम्प्लॉय ने ऑप्शन एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट नहीं एक्सरसाइज, 6 months लॉक इन पीरियड है और दो कंपनी के बायबैक आता है, बट ही कांट सेल बिकॉज देर इज अ लॉक इन. कंपनी विल डिसाइड. कंपनी कैन बाय बैक शेयर्स ऑफ एम्प्लॉइज अंडर ESOP. कंपनी विल डिसाइड, राइट? जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे, राइट? सो विल बी हैविंग 2 to 4:15 आई थिंक विल हैव एडवांस एंड 4:30 FM, राइट? व्हाट आर द टाइमिंग्स? 4:30 to 6:45 आई थिंक 2 hours 15 minutes. I'll do the calculations. So right now, take a 15 minute break. FM 4:30 we start. Thank you.